हेलो दोस्तों मैं आपके लिए ले आया हूँ मुकदमा मूवी के फैक्शन रिव्यू मुकदमा सन उन्नीस सौ की हिंदी भाषा की फिल्म है जिसके निर्देशक के सी बोकाडिया और लेखक के सी बोकाडिया है अभिनेता महेश आनंद जेब बाब अख्तियार गुलशन ग्लोवर हरीश विनोद खन्ना गुड्डी मारुति आदित्य पंचोली जगदीश राज शिवा आसिफ शेख उपासना सिंह टिंकू तलसानिया और तनुजा और वर्षा उफ गावाकर फिल्म की रिलीज़ डेट सन उन्नीस सौ छियानवे में देश भारत है भाषा हिंदी है और मुख्य कलाकार जिसमें इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है विनोद खन्ना कप्तान अजीत सिंह के रूप में जगदीश राज जेलर के रूप में आसिफ शेख मोटिंग के रूप में टिंकू तलसनिया सत्य सिंह के रूप में और तनुजा आशा के रूप में और वर्षा उस गावाकर सीमा के रूप में नजर आई है विनोद खन्ना के बारे में बताया गया है कि विनोद खन्ना हिंदी फिल्मों में अभिनेता जिनका जिनका जन्म पेशावर ब्रितानी भारत में हुआ था जबकि ये लंबे समय से कैंसर से पीड़ित रहने की वजह से सत्ताईस अप्रैल 2017 को मुंबई के एक एच एन रिलायंस अस्पताल में इनका निधन हो गया था इनका जन्म 6 अक्टूबर सन उन्नीस को ब्रितानी भारत में हुआ था मृत्यु सत्ताईस अप्रैल 2017 को ही व्यवसायी अभिनेता और राजनीतिक थे जीवन साथी गीतांजलि सन 173 में इनकी शादी हुई और सन 1985 में इनका तलाक हुआ कविता से इनके सन 1990 में शादी हुई 2017 में निधन हो गया इनके बच्चे राहुल खन्ना पुत्र था अक्षय खन्ना पुत्र और साक्षी खन्ना पुत्र और श्रद्धा खन्ना पुत्री जीवन विनोद खन्ना का जन्म एक व्यापारिक परिवार में 6 अक्टूबर सन 1946 को पेशावर बर्टानी भारत में हुआ था उनका परिवार अगले साल अगले साल उन्नीस में भारत में पाकिस्तान विभाजन के बाद पेशावर से मुंबई आ गए और उनके माता पिता का ना नाम कमला और किशनचंद खन्ना था सन 1960 के बाद उनकी स्कूली शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई वहीं उन्होंने सिद्धोम कॉलेज में बढ़ने में स्थानांतरण किया इनके तीन पुत्र और एक पुत्री थी जिसमें अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना जो दो फिल्मों के अभिनेता रहे हैं सत्ताईस अप्रैल 2017 को लंबे समय से कैंसर से पीड़ित होने के कारण मुंबई के एन एस रिलायंस अस्पताल में इनका निधन हो गया कैरियर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत सन सन उन्नीस में आई एक फिल्म मन का मीत से की थी जिसमें उन्होंने एक खननायक का अभिनय किया था कई कि फिल्मों में उल्लेखनीय सहायक और खलनायक के किरदार निभाने के बाद सन उन्नीस कहत्तर में उनकी पहली एकल हीरो वाली फिल्म हम तुम और वो आई कुछ वर्ष में फिल्मी सन्यास उनके दौरान वे आचार्य रजनीश के अनुयायी बन गए इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म पारी भी सफलतापूर्वक रही राजनीतिक कैरियर के बारे में भी काफी उन्होंने वो दो बार पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र के भाजपा की ओर से सांसद चुने जा चुके थे जबकि 2002 में सांस्कृतिक और पर्यटक के केंद्रीय मंत्री भी रहे इसके बाद सिर्फ छह माह पश्चात ही उनकी अति महत्वपूर्ण विदेश मामलों में मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया गया सन उन्नीस सौ में, में उनको फिल्मों में उनके तीस वर्ष से भी ज़्यादा समय के योगदान के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया 2018 में उन्हें मरणोमांत भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फल फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया गुड्डी मारुति के बारे में बताया जाता है कि उनका जन्म चार अप्रैल सन उन्नीस को भारत में हुआ था आदित्य पंचोली आदित्य पंचोली के बारे में बताया जाता है कि आदित्य पंचोली का जन्म चार जनवरी सन उन्नीस सौ पैंसठ को हुआ था और इनकी आयु फिफ्टी सेवन साल है ये इनका वैश्य अभिनेता और इनका जीवन साथी जरीना वहा, वहा जिनसे इनकी शादी सन उन्नीस सौ छियासी में हुई थी व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि आदित्य पंचोली हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता है और वह हिंदू कार्यस्थ परिवार के जन्म हुआ है। आदित्य पंचोली फिल्म निर्माता राजन पंचोली और अरुणा पंचोली के बेटे हैं उनकी बहन दो भाई हैं उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जूहू मुंबई के सेठ जोसेफ हाई स्कूल में प्राप्त की सन उन्नीस में पंचोली ने अभिनेत्री जरीना बाहब से वहाब से शादी की और उनके दो बच्चे हैं सूरज और सना पंचोली इसके बाद बताया जाता है कि जगदीश राज जगदीश राज जो इस फिल्म जो मुकदमा फिल्म में जिनका बहुत अच्छा किरदार रहा है जगदीश राज खुराना जो पूर्व बॉलीवुड अभिनेता थे इनका सामना किरदार अभिनेता के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम में लिखने के लिए किया गया है इनका जन्म सन उन्नीस में हुआ था मृत्यु अट्ठाइस जुलाई दो में हुई राष्ट्रीयता भारतीय थी अन्य नाम बॉलीवुड के पुलिस इंस्पेक्टर फिल्म पुलिस अफसर थे व्यवसाय अभिनेता था जीवन और कैरियर के बारे में बताया जाता है कि जगदीश राज का जन्म सन उन्नीस में ब्रिटिश भारत में सरगोधा में हुआ था उन, इन्होंने एक फिल्मों में पुलिस निरीक्षण का किरदार निभाया था इस, इनकी पुत्री अनिता राज खुराना भी एक बॉलीवुड अभिनेत्री थी जगदीश राज ने हम दोनों काला बाजार जोनी मेरा नाम गैम्बलर ड्रीम गर्ल थी और दीवार जैसी हिट फिल्मों में काम किया अस्सी से नब्बे दशक की फिल्मों में उन्हें सक्रिय का काम होने लगी उन्होंने देव आनंद से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे आध्यात्मिक सफल अभिनेताओं के साथ काम किया कुछ फिल्मों में इन्होंने न्यायाधीश या चिकित्सा का किरदार भी निभाया और सी आई डी ट्वेल्व ओ क्लोक कानून वक्त रोटी इस्तेवाक सफर जोनी मेरा नाम आदि फिल्मों में पुलिस निरीक्षण का अभिनय कर मिलने के बाद इन्होंने पुलिस की वर्दी सिलवाई थी और फिल्म निर्माता का फ़ोन आते ही वर्दी में सात शूटिंग पर पहुंच जाते थे हॉलीवुड में एक कास्टिंग डायरेक्टर में फिल्मों की लंबी लिस्ट देखकर गिनीज बुक की टीम में जांच के लिए मुंबई बुलाया और फिल्म निरीक्षण के किरदार निभाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम में इनका दर्ज किया गया है। इन्हें अब जब फिल्म लोह और नई साफी की में पुलिस के कमिश्नर का रोल मिला तो उन्होंने कहा कि चलो मेरा प्रमोशन हो गया इसके बाद बताया जाता है कि आसिफ शेख आसिफ शेख भारतीय टेलीविजन और टे, फिल्म अभिनेता है उन्होंने सबसे ल, पहले शुरुआत धारावाहिक हम लोग से की थी उन्होंने मु, मुकद्दर का बादशाह जैसे सहायक भूमिकाओं में फिल्मों में शुरूआत की उनकी भूमिका वाली फिल्म सन उन्नीस सौ इक्यानवे में, में यारा दिलदारा आई थी यह फिल्म संगीत निर्देशक जनित ललित की पहली फिल्म होने के साथ साथ बिन तेरे सनम के लिए जानी जाती है हालांकि उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में सफलता नहीं मिली और उन्होंने कई फिल्मों में सहायक भूमिका की अदा की इसके बाद बताया जाता है उपासना सिंह उपासना सिंह जो ए, जिनका हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत ही अच्छा योगदान रहा और उन्होंने बहुत सी फिल्मों में योगदान दिया और मुकदमा फिल्म में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किरदार निभाया था यह एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जिनका जन्म पंजाब के होशियारपुर क्षेत्र में हुआ था उपासना सिंह के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है क्योंकि ये बहुत ही हसमुख रही अभिनेत्री रही है उपासना सिंह मुख्य रूप से हास्य कला के लिए जानी जाती है उन्होंने अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत जुदाई फिल्म से की थी इन्होंने सोनी टीवी के और कपिल शर्मा के कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी अभिनय किया था इसमें इन्होंने एक बुआ की भूमिका निभाती और नाद नांदनिया में भी एक अहम रोल किया था यह एक बॉलीवुड अभिनेत्री है जो क्षेत्रीय कलमों पंजाबी राजस्थानी भोजपुरी और गुजराती में भी कार्य करती है इनका जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ था कार्यक्रम इनका जो इनका फिल्मों में कार्यकाल रहा है वो सन उन्नीस से वर्तमान तक है जीवन साथी नीरज भारद्वाज जिसे जिनकी शादी दो हजार में व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि उपासना सिंह ने दो नौ में फिल्म अभिनेता नीरज भारद्वाज से शादी की थी नीरज भारद्वाज जो कई फिल्मों में कार्य कर चुके हैं और भारद्वाज ने दूरदर्शन के कुछ धारावाहिक में नकारात्मक किरदार निभाया इन दोनों के अ दिल ए नादन धारावाहिक में एक साथ काम का, काम किया है। इसके बाद शादी की थी प्रमुख गुजराती फिल्मों में भी उपषन्न सिंह ने सन उन्नीस में रिलीज हुई गुजराती फिल्म जोड़े रो रेहजो राज गुजराती फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नरेश कोनोडिया व रामानंद सागर की रामायण धारावाहिक में सीताजी पात्र निभाने वाली दीपिका चकलिया के साथ सेकंड से लीड रोल में काम किया है उपासना सिंह ने इस फिल्म में गुजराती फिल्मों में डेब्यू किया था फिल्म के टाइटल्स में उन्हें प्रियंका उपनाम के क्रेडिट दिया गया था और उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में वालों और परशुराम जैसी गुजराती फिल्मों में उपासना सिंह के सही काम से ही काम किया था हेलो दोस्तों मैं आपके लिए ले आया हूँ मुकदमा मूवी के फैक्शन रिव्यू मुकदमा सन उन्नीस सौ की हिंदी भाषा की फिल्म है जिसके निर्देशक के सी बोकाडिया और लेखक के सी बोकाडिया है अभिनेता महेश आनंद जेब बाब अख्तियार गुलशन ग्लोअर हरीश बिनोद खन्ना गुड्डी मारुति आदित्य पंचोली जगदीश राज शिवा रिंदनानी आसिफ शेख उपासना सिंह टिंकू तलसानिया और तनुजा और वर्षा उफ गावकर फिल्म की रिलीज डेट सन उन्नीस सौ छियानवे में देश भारत है भाषा हिंदी है और मुख्य कलाकार जिसमें इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है विनोद खन्ना कप्तान अजीत सिंह के रूप में जगदीश राज जेलर के रूप में आसिफ शेख मोटिंग के रूप में टिंकू तलसनिया सत्य सिंह के रूप में और तनुजा आशा के रूप में और वर्षा उस गावाकर सीमा के रूप में नजर आई है विनोद खन्ना के बारे में बताया गया है कि विनोद खन्ना हिंदी फिल्मों में अभिनेता जिनका जिनका जन्म पेशावर ब्रितानी भारत में हुआ था जबकि ये लंबे समय से कैंसर से पीड़ित रहने की वजह से 27 अप्रैल 2017 को मुंबई के एक एच एन रिलायंस अस्पताल में इनका निधन हो गया था इनका जन्म 6 अक्टूबर सन उन्नीस को ब्रितानी भारत में हुआ था मृत्यु 27 अप्रैल 2017 हज़ार सत्रह को ही व्यवसायी अभिनेता और राजनीतिक थे जीवन साथी गीतांजलि सन 172 में इनकी शादी हुई और सन 1985 में इनका तलाक हुआ कविता से इनके सन 1990 में शादी हुई 2017 में निधन हो गया इनके बच्चे राहुल खन्ना पुत्र था अक्षय खन्ना पुत्र और साक्षी खन्ना पुत्र और श्रद्धा खन्ना पुत्री जीवन विनोद खन्ना का जन्म एक व्यापारिक परिवार में 6 अक्टूबर सन 1946 सन सन को पेशावर बर्टानी भारत में हुआ था उनका परिवार अगले साल अगले साल उन्नीस में भारत में पाकिस्तान विभाजन के बाद पेशावर से मुंबई आ गए और उनके माता पिता का ना नाम कमला और किशनचंद खन्ना था सन 1960 के बाद उनकी स्कूली शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई वहीं उन्होंने सिद्धोम कॉलेज में बढ़ने में स्थानांतरण किया इनके तीन पुत्र और एक पुत्री थी जिसमें अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना जो दो फिल्मों के अभिनेता रहे हैं सत्ताईस अप्रैल 2017 को लंबे समय से कैंसर से पीड़ित होने के कारण मुंबई के एन एस रिलायंस अस्पताल में इनका निधन हो गया कैरियर के, के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत सन सन उन्नीस में आई एक फिल्म मन का मीत से की थी जिसमें उन्होंने एक खननायक का अभिनय किया था कई कि फिल्मों में उल्लेखनीय सहायक और खननायक के किरदार निभाने के बाद सन उन्नीस सौ में उनकी पहली एकल हीरो वाली फिल्म हम तुम और वो आई कुछ वर्ष में फिल्मी सन्यास उनके दौरान वे आचार्य रजनीश के अनुयावी बन गए इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म पारी भी सफलतापूर्वक रही राजनीतिक कैरियर के बारे में भी काफी उन्होंने वो दो बार पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र के भाजपा की ओर से सांसद चुने जा चुके थे जबकि 2002 में सांस्कृतिक और पर्यटक के केंद्रीय मंत्री भी रहे इसके बाद सिर्फ छः माह पश्चात ही उनकी अति महत्वपूर्ण विदेश मामलों में मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया गया सन उन्नीस सौ निन्यानवे में उनको फिल्मों में उनके तीस वर्ष से भी ज़्यादा समय के योगदान के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया दो में उन्हें मरणोरान्त भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फल फालके पुरस्कार से सम्मानित किया गया गुड्डी मारुति के बारे में बताया जाता है कि उनका जन्म 4 अप्रैल सन उन्नीस उनसठ को भारत में हुआ था आदित्य पंचोली आदित्य पंचोली के बारे में बताया जाता है कि आदित्य पंचोली का जन्म चार जनवरी सन उन्नीस सौ पैंसठ को हुआ था और इनकी आयु फिफ्टी सेवन साल है ये इनका वैश्य अभिनेता और इनका जीवन साथी जरीना वहा वहा जिनसे इनकी शादी सन उन्नीस सौ छियासी में होती व्यक्तिगत के जीवन के बारे में बताया जाता है कि आदि, आदित्य पंचोली हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता है और वह हिंदू कार्यस्थ परिवार के जन्म हुआ है। आदित्य पंचोली फिल्म निर्माता राजन पंचोली और अरुणा पंचोली के बेटे हैं उनकी बहन दो भाई हैं उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जूहू मुंबई के सेठ जोसेफ हाई स्कूल में प्राप्त की सन उन्नीस में पंचोली ने अभिनेत्री जरीना बाहब से वहाब से शादी की और उनके दो बच्चे हैं सूरज और सना पंचोली इसके बाद बताया जाता है कि जगदीश राज जगदीश राज जो इस फिल्म जो मुकदमा फिल्म में जिनका बहुत अच्छा किरदार रहा है जगदीश राज खुराना जो पूर्व बॉलीवुड अभिनेता थे इनका सामना किरदार अभिनेता के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम में लिखने के लिए किया गया है इनका जन्म सन उन्नीस में हुआ था मृत्यु अट्ठाईस जुलाई दो में हुई राष्ट्रीयता भारतीय थी अन्य नाम बॉलीवुड के पुलिस इंस्पेक्टर फिल्म पुलिस अफसर थे व्यवसाय अभिनेता था जीवन और कैरियर के बारे में बताया जाता है कि जगदीश राज का जन्म सन उन्नीस में ब्रिटिश भारत में सरगोधा में हुआ था उन, इन्होंने एक फिल्मों में पुलिस निरीक्षण का किरदार निभाया था इस, इनकी पुत्री अनिता राज खुराना भी एक बॉलीवुड अभिनेत्री थी जगदीश राज ने हम दोनों काला बाजार जोनी मेरा नाम गैम्बलर ड्रीम थी और दीवार जैसी हिट फिल्मों में काम किया अस्सी से नब्बे दशक की फिल्मों में उन सक्रिय का काम होने लगी उन्होंने देव आनंद से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे आध्यात्मिक सफल अभिनेताओं के साथ काम किया कुछ फिल्मों में इन्होंने न्यायाधीश या चिकित्सा का किरदार भी निभाया और सी आई डी ट्वेल्व ओ क्लोक कानून वक्त रोटी इस्तेफाक सफर जोनी मेरा नाम आदि फिल्मों में पुलिस निरीक्षण का अभिनय कर मिलने के बाद इन्होंने पुलिस की वर्दी सिलवा ली थी और फिल्म निर्माता का फोन आते ही वर्दी में सात शूटिंग पर पहुंच जाते थे हॉलीवुड में एक कास्टिंग डायरेक्टर में फिल्मों की लंबी लिस्ट देखकर गिनीज बुक की टीम में जांच के लिए मुंबई बुलाया और फिल्म निरीक्षण के किरदार निभाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम में इनका दर्ज किया गया इन्हें अब जब फिल्म लोह और नई साफी की में पुलिस के कमिश्नर का रोल मिला तो उन्होंने कहा कि चलो मेरा प्रमोशन हो गया इसके बाद बताया जाता है कि आसिफ शेख आसिफ शेख भारतीय टेलीविज़न और टे, फिल्म अभिनेता है उन्होंने सबसे ल, पहले शुरुआत धारावाहिक हम लोग से की थी उन्होंने मु, मुकद्दर का बादशाह जैसे सहायक भूमिकाओं में फिल्मों में शुरू की उनकी भूमिका वाली फिल्म सन उन्नीस सौ इक्यानवे में, में यारा दिलदारा आई थी यह फिल्म संगीत निर्देशक जनित ललित की कह, पहली फिल्म होने के साथ साथ बिन तेरे सनम के लिए जानी जाती है हालांकि उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में सफलता नहीं मिली और उन्होंने कई फिल्मों में सहायक भूमिका की अदा की इसके बाद बताया जाता है उपासना सिंह उपासना सिंह जो ए, जिनका हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में, में बहुत ही अच्छा योगदान रहा और उन्होंने बहुत सी फिल्मों में योगदान दिया और मुकदमा फिल्म में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किरदार निभाया था यह एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जिनका जन्म पंजाब के होशियारपुर क्षेत्र में हुआ था उपासना सिंह के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है क्योंकि ये बहुत ही हसमुख रही अभिनेत्री रही है उपासना सिंह मुख्य रूप से हास्य कला के लिए जानी जाती है उन्होंने अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत जुदाई फिल्म से की थी इन्होंने सोनी टीवी के और कपिल शर्मा के कॉमेडी नाइट्स विद कल कपिल में भी अभिनय किया था इसमें इन्होंने एक बुआ की भूमिका निभाई थी और ना नादनिया में भी एक अहम रोल किया था यह एक बॉलीवुड अभिनेत्री है जो क्षेत्रीय कलमों पंजाबी राजस्थानी भोजपुरी और गुजराती में भी कार्य करती है इनका जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ था कार्यक्रम इनका जो इनका फिल्मों में कार्यकाल रहा है वो सन उन्नीस से वर्तमान तक है जीवन साथी नीरज भारद्वाज जिससे जिनकी साथी दो हजार नौ में व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि उपासना सिंह ने दो नौ में फिल्म अभिनेता नीरज भारद्वाज से शादी की थी नीरज भारद्वाज जो कई फिल्मों में कार्य कर चुके हैं और भारद्वाज ने दूरदर्शन के कुछ धारावाहिक में नकारात्मक किरदार निभाया इन दोनों के में ए दिल ए नादन धारावाहिक में एक साथ काम का, काम किया है इसके बाद शादी की थी प्रमुख गुजराती फिल्मों में भी उपषन्न सिंह ने सन उन्नीस में रिलीज हुई गुजराती फिल्म जोड़े रो रेहजो राज गुजराती फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नरेश कन्होडिया व रामानंद सागर की रा, रामायण धारावाहिक में सीताजी का पुत्र पात्र निभाने वाली दीपिका चकलिया के साथ सेकंड से लीड रोल में काम किया है उपासना सिंह ने इस फिल्म में गुजराती फिल्मों में डेब्यू किया था फिल्म के टाइटल्स में उन्हें प्रियंका उपनाम के क्रेडिट दिया गया था और उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में वालों और परशुराम जैसी गुजराती फिल्मों में उपासना सिंह के सही काम से ही काम किया था हेलो दोस्तों मैं आपके लिए ले आया हूँ मुकदमा मूवी के फैक्शन रिव्यू मुकदमा सन उन्नीस सौ की हिंदी भाषा की फिल्म है जिसके निर्देशक के सी बोकाडिया और लेखक के सी बोकाडिया है अभिनेता महेश आनंद जेब बाब अख्तियार गुलसन ग्लोवर हरीश विनोद खन्ना गुड्डी मारुति आदित्य पंचोली जगदीश राज शिवा आसिफ शेख उपासना सिंह टिंकू तलसानिया और तनुजा और वर्षा उफ गावकर फिल्म की रिलीज़ डेट सन उन्नीस सौ छियानवे में देश भारत है भाषा हिंदी है और मुख्य कलाकार जिसमें इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है विनोद खन्ना कप्तान अजीत सिंह के रूप में जगदीश राज जेलर के रूप में आसिफ शेख मोटिंग के रूप में टिंकू तलसनिया सत्य सिंह के रूप में और तनुजा आशा के रूप में और वर्षा उस गावाकर सीमा के रूप में नजर आई है विनोद खन्ना के बारे में बताया गया है कि विनोद खन्ना हिंदी फिल्मों में अभिनेता जिनका जिनका जन्म पेशावर ब्रितानी भारत में हुआ था जबकि ये लंबे समय से कैंसर से पीड़ित रहने की वजह से सत्ताईस अप्रैल 2017 को मुंबई के एक एच एन रिलायंस अस्पताल में इनका निधन हो गया था इनका जन्म 6 अक्टूबर सन उन्नीस को ब्रितानी भारत में हुआ था मृत्यु सत्ताईस अप्रैल 2017 को ही व्यवसायी अभिनेता और राजनीतिक थे जीवन साथी गीतांजलि सन 172 में इनकी शादी हुई और सन 1985 में इनका तलाक हुआ कविता से इनके सन 1990 में शादी हुई 2017 में निधन हो गया इनके बच्चे राहुल खन्ना पुत्र था अक्षय खन्ना पुत्र और साक्षी खन्ना पुत्र और श्रद्धा खन्ना पुत्री जीवन विनोद खन्ना का जन्म एक व्यापारिक परिवार में 6 अक्टूबर सन 1946 को पेशावर ब्रिटानी भारत में हुआ था उनका परिवार अगले साल अगले साल उन्नीस में भारत में पाकिस्तान विभाजन के बाद पेशावर से मुंबई आ गए और उनके माता पिता का ना नाम कमला और किशनचंद खन्ना था सन 1960 के बाद उनकी स्कूली शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई वहीं उन्होंने सिद्धोम कॉलेज में बढ़ने में स्थानांतरण किया इनके तीन पुत्र और एक पुत्री थी जिसमें अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना जो दो फिल्मों के अभिनेता रहे हैं सत्ताईस अप्रैल 2017 को लंबे समय से कैंसर से पीड़ित होने के कारण मुंबई के एनएस रिलायंस अस्पताल में इनका निधन हो गया कैरियर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत सन सन उन्नीस में आई एक फिल्म मन का मीत से की थी जिसमें उन्होंने एक खलनायक का अभिनय किया था कई कि फिल्मों में उल्लेखनीय सहायक और खननायक के किरदार निभाने के बाद सन उन्नीस में उनकी पहली एकल हीरो वाली फिल्म हम तुम और वो आई कुछ वर्ष में फिल्मी सन्यास उनके दौरान वे आचार्य रजनीश के अनुयायी बन गए इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म पारी भी सफलतापूर्वक रही राजनीतिक कैरियर के बारे में भी काफी उन्होंने वो दो बार पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र के भाजपा की ओर से सांसद चुने जा चुके थे जबकि 2002 में सांस्कृतिक और पर्यटक के केंद्रीय मंत्री भी रहे इसके बाद सिर्फ छः माह पश्चात ही उनकी अति महत्वपूर्ण विदेश मामलों में मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया गया सन उन्नीस सौ निन्यानवे में उनको फिल्मों में उनके तीस वर्ष से भी ज़्यादा समय के योगदान के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया 2018 में उन्हें मरणोमांत भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फल फालके पुरस्कार से सम्मानित किया गया गुड्डी मारुति के बारे में बताया जाता है कि उनका जन्म चार अप्रैल सन उन्नीस को भारत में हुआ था आदित्य पंचोली आदित्य पंचोली के बारे में बताया जाता है कि आदित्य पंचोली का जन्म चार जनवरी सन उन्नीस सौ पैंसठ को हुआ था और इनकी आयु फिफ्टी सेवन साल है ये इनका वैश्य अभिनेता और इनका जीवन साथी जरीना वहा, वहा जिनसे इनकी शादी सन उन्नीस सौ छियासी में हुई थी व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि आदित्य पंचोली हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता है और वह हिंदू कार्यस्थ परिवार के जन्म हुआ आदित्य पंचोली फिल्म निर्माता राजन पंचोली और अरुणा पंचोली के बेटे हैं उनकी बहन दो भाई हैं उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जुहू मुंबई के सेठ जोसेफ हाई स्कूल में प्राप्त की सन उन्नीस में पंचोली ने अभिनेत्री जरीना बहाब से वहाब से शादी की और उनके दो बच्चे हैं सूरज और सना पंचोली इसके बाद बताया जाता है कि जगदीश राज जगदीश राज जो इस जो मुकदमा फिल्म में जिनका बहुत अच्छा किरदार रहा है जगदीश राज खुराना जो पूर्व बॉलीवुड अभिनेता थे इनका सामना किरदार अभिनेता के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम में लिखने के लिए किया गया है इनका जन्म सन उन्नीस में हुआ था मृत्यु अट्ठाईस जुलाई दो में हुई राष्ट्रीयता भारतीय थी अन्य नाम बॉलीवुड के पुलिस इंस्पेक्टर फिल्म पुलिस अफसर थे व्यवसाय अभिनेता था जीवन और कैरियर के बारे में बताया जाता है कि जगदीश राज का जन्म सन उन्नीस में ब्रिटिश भारत में सरगोधा में हुआ था उन्होंने इन्होंने एक फिल्मों में पुलिस निरीक्षण का किरदार निभाया था इस, इनकी पुत्री अनिता राज खुराना भी एक बॉलीवुड अभिनेत्री थी जगदीश राज ने हम दोनों काला बाजार जोनी मेरा नाम गैम्बलर ड्रीम गर्ल थी और दीवार जैसी हिट फिल्मों में काम किया अस्सी से नब्बे दशक की फिल्मों में उन्हें सक्रिय का काम होने लगी उन्होंने देव आनंद से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे आध्यात्मिक सफल अभिनेताओं के साथ काम किया कुछ फिल्मों में इन्होंने न्यायाधीश या चिकित्सा का किरदार भी निभाया और सी आई डी ओ क्लोक कानून वक्त रोटी इस्तेफाक सफर जोनी मेरा नाम आदि फिल्मों में पुलिस निरीक्षण का अभिनय कर मिलने के बाद इन्होंने पुलिस की वर्दी सिलवाली थी और फिल्म निर्माता का फ़ोन आते ही वर्दी में सात शूटिंग पर पहुंच जाते थे हॉलीवुड में एक कास्टिंग डायरेक्टर में फिल्मों की लंबी लिस्ट देखकर गिनीज बुक की टीम में जांच के लिए मुंबई बुलाया और फिल्म निरीक्षण के किरदार निभाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में के नाम में इनका दर्ज किया गया इन्हें अब जब फिल्म लोह और नई साफी की में पुलिस के कमिश्नर का रोल मिला तो उन्होंने कहा कि चलो मेरा प्रमोशन हो गया इसके बाद बताया जाता है कि आसिफ शेख आसिफ शेख भारतीय टेलीविजन और टे, फिल्म अभिनेता है उन्होंने सबसे पहले हम लोग से की थी उन्होंने फिल्मों में शुरूआत थी उनकी भूमिका वाली फिल्म सन उन्नीस सौ इक्यानवे में ग्यारह दिलदारा आई थी यह फिल्म संगीत निर्देशक जनित ललित की पहली फिल्म होने के साथ साथ बिन तेरे सनम के लिए जानी जाती है हालांकि उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में सफलता नहीं मिली और उन्होंने कई फिल्मों में सहायक भूमिका की अदा की इसके बाद बताया जाता है उपासना सिंह उपासना सिंह जो ए, जिनका हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत ही अच्छा योगदान रहा और उन्होंने बहुत सी फिल्मों में योगदान दिया और मुकदमा फिल्म में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किरदार निभाया था यह एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जिनका जन्म पंजाब के होशियारपुर क्षेत्र में हुआ था उपासना सिंह के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है क्योंकि ये बहुत ही हसमुख रही अभिनेत्री रही है उपासना सिंह मुख्य रूप से हास्य कला के लिए जानी जाती है उन्होंने अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत जुदाई फिल्म से की थी इन्होंने सोनी टीवी के और कपिल शर्मा के कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी अभिनय किया था इसमें इन्होंने एक बुआ की भूमिका निभाई थी और नाद नांदनिया में भी एक अहम रोल किया था यह एक बॉलीवुड अभिनेत्री है जो क्षेत्रीय कलमों पंजाबी राजस्थानी भोजपुरी और गुजराती में भी कार्य करती है इनका जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ था कार्यालय कार्यक्रम इनका जो इनका फिल्मों में कार्यकाल रहा है वो सन उन्नीस से वर्तमान तक है जीवन साथी नीरज भारद्वाज जिसे जिनकी शादी दो हजार नौ में व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि उपासना सिंह ने दो फिल्म अभिनेता नीरज भारद्वाज से शादी की थी नीरज भारद्वाज जो कई फिल्मों में कार्य कर चुके और भारद्वाज ने दूरदर्शन के कुछ धारावाहिक में नकारात्मक किरदार निभाया इन दोनों के दिल ए नादन धारावाहिक में एक साथ काम, का, काम किया है। इसके बाद शादी की थी प्रमुख गुजराती फिल्मों में भी उपषन्न सिंह ने सन उन्नीस में रिलीज हुई गुजराती फिल्म जोड़े रो जो राज गुजराती फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नरेश कनोडिया व रामानंद सागर की रा, रामायण धारावाहिक में सीताजी का पात्र निभाने वाली दीपिका चकलिया के साथ सेकंड से लीड रोल में काम किया है उपासना सिंह ने इस फिल्म में गुजराती फिल्मों में डेब्यू किया था फिल्म के टाइटल्स में उन्हें प्रियंका उपनाम के क्रेडिट दिया गया था और उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में रिक्शा वालों और परशुराम जैसी गुजराती फिल्मों में उपासना सिंह के सही काम से ही काम किया था हेलो दोस्तों मैं आपके लिए ले आया हूँ मुकदमा मूवी के फैक्शन रिव्यू मुकदमा सन उन्नीस सौ की हिंदी भाषा की फिल्म है जिसके निर्देशक के सी बोकाडिया और लेखक के सी बोकाडिया है अभिनेता महेश आनंद जेब बाब गुलसन ग्लोवर हरीश विनोद खन्ना गुड्डी मारुति आदित्य पंचोली जगदीश राज शिवा आसिफ शेख उपासना सिंह टिंकू तलसानिया और तनुजा और वर्षा उफ गावकर फिल्म की रिलीज डेट सन उन्नीस सौ छियानवे में देश भारत है भाषा हिंदी है और मुख्य कलाकार जिसमें इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है विनोद खन्ना कप्तान अजीत सिंह के रूप में जगदीश राज जेलर के रूप में आसिफ शेख मोटिंग के रूप में टिंकू तलसनिया सत्य सिंह के रूप में और तनुजा आशा के रूप में और वर्षा उस गावाकर सीमा के रूप में नजर आई है विनोद खन्ना के बारे में बताया गया है कि विनोद खन्ना हिंदी फिल्मों में अभिनेता जिनका जिनका जन्म पेशावर ब्रितानी भारत में हुआ था जबकि ये लंबे समय से कैंसर से पीड़ित रहने की वजह से 27 अप्रैल 2017 को मुंबई के एक एच एन रिलायंस अस्पताल में इनका निधन हो गया था इनका जन्म 6 अक्टूबर सन उन्नीस को ब्रितानी भारत में हुआ था मृत्यु 27 अप्रैल 2017 को ही व्यवसायी अभिनेता और राजनीतिक थे जीवन साथी गीतांजलि सन में इनकी शादी हुई और सन उन्नीस में इनका तलाक हुआ कविता से इनकी सन उन्नीस में शादी हुई 2017 में निधन हो गया इनके बच्चे राहुल खन्ना पुत्र अक्षय खन्ना पुत्र और साक्षी खन्ना पुत्र और श्रद्धा खन्ना पुत्री जीवन विनोद खन्ना का जन्म एक व्यापारिक परिवार में 6 अक्टूबर सन उन्नीस सन उन्नीस को पेशावर ब्रितानी भारत में हुआ था उनका परिवार अगले साल अगले साल उन्नीस में भारत में पाकिस्तान विभाजन के बाद पेशावर से मुंबई आ गए और उनके माता पिता का ना नाम कमला और किशनचंद खन्ना था सन उन्नीस के बाद उनकी स्कूली शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई वहीं उन्होंने सिद्धोम कॉलेज में बढ़ने में स्थानांतरण किया इनके तीन पुत्र और एक पुत्री थी जिसमें अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना जो दो फिल्मों के अभिनेता रहे हैं सत्ताईस अप्रैल 2017 को लंबे समय से कैंसर से पीड़ित होने के कारण मुंबई के एन एस रिलायंस अस्पताल में इनका निधन हो गया कैरियर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत सन सन उन्नीस में आई एक फिल्म मन का मीत से की थी जिसमें उन्होंने एक खननायक का अभिनय किया था कई कि फिल्मों में उल्लेखनीय सहायक और खननायक के किरदार निभाने के बाद सन उन्नीस कहत्तर में उनकी पहली एकल हीरो वाली फिल्म हम तुम और वो आई कुछ वर्ष में फिल्मी संन्यास उनके दौरान वे आचार्य रजनीश के अनुयावी बन गए इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म पारी भी सफलतापूर्वक रही राजनीतिक कैरियर के बारे में भी काफी उन्होंने वो दो बार पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र के भाजपा की ओर से सांसद चुने जा चुके थे जबकि 2002 में सांस्कृतिक और पर्यटक के केंद्रीय मंत्री भी रहे इसके बाद सिर्फ छह माह पश्चात ही उनकी अति महत्वपूर्ण विदेश मामलों में मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया गया सन उन्नीस सौ निन्यानवे में उनको फिल्मों में उनके तीस वर्ष से भी ज़्यादा समय के योगदान के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया दो में उन्हें मरणोरांत भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फल फालके पुरस्कार से सम्मानित किया गया गुड्डी मारुति के बारे में बताया जाता है कि उनका जन्म 4 अप्रैल सन उन्नीस उनसठ को भारत में हुआ था आदित्य पंचोली आदित्य पंचोली के बारे में बताया जाता है कि आदित्य पंचोली का जन्म चार जनवरी सन उन्नीस सौ पैंसठ को हुआ था और इनकी आयु फिफ्टी सेवन साल है ये इनका वेश्या अभिनेता और इनका जीवन साथी जरीना वहा वहा जिनसे इनकी शादी सन उन्नीस सौ छियासी में होती व्यक्तिगत के जीवन के बारे में बताया जाता है कि आदि, आदित्य पंचोली हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता है और वह हिंदू कार्यस्थ परिवार के जन्म हुआ है आदित्य पंचोली फिल्म निर्माता राजन पंचोली और अरुणा पंचोली के बेटे हैं उनकी बहन दो भाई हैं उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जूहू मुंबई के सेठ जोसेफ हाई स्कूल में प्राप्त की सन उन्नीस में पंचोली ने अभिनेत्री जरीना बाहब से वहाब से शादी की और उनके दो बच्चे हैं सूरज और सना पंचोली इसके बाद बताया जाता है कि जगदीश राज जगदीश राज जो इस फिल्म जो मुकदमा फिल्म में जिनका बहुत अच्छा किरदार रहा है जगदीश राज खुराना जो पूर्व बॉलीवुड अभिनेता थे इनका सामना किरदार अभिनेता के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम में लिखने के लिए किया गया है इनका जन्म सन उन्नीस में हुआ था मृत्यु अट्ठाईस जुलाई दो में हुई राष्ट्रीयता भारतीय थी अन्य नाम बॉलीवुड के पुलिस इंस्पेक्टर फिल्म पुलिस अफसर थे व्यवसाय अभिनेता था जीवन और कैरियर के बारे में बताया जाता है कि जगदीश राज का जन्म सन उन्नीस में, में, में हुआ था उन, इन्होंने चवालीस फिल्मों में पुलिस निरीक्षण का किरदार निभाया था इस, इनकी पुत्री अनिता राज खुराना भी एक बॉलीवुड अभिनेत्री थी जगदीश राज ने हम दोनों काला बाजार जोनी मेरा नाम गैम्बलर ड्रीम गर्ल थी और दीवार जैसी हिट फिल्मों में काम किया अस्सी से नब्बे दशक की फिल्मों में उन्हें सक्रिय का काम होने लगी उन्होंने देव आनंद से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे आध्यात्मिक सफल अभिनेताओं के साथ काम किया कुछ फिल्मों में इन्होंने न्यायाधीश या चिकित्सा का किरदार भी निभाया और सी आई डी ट्वेल्व ओ क्लोक कानून वक्त रोटी इस्तेफाक सफर जोनी मेरा नाम आदि फिल्मों में पुलिस निरीक्षण का अभिनय कर मिलने के बाद इन्होंने पुलिस की वर्दी सिलवाली थी और फिल्म निर्माता का फ़ोन आते ही वर्दी में सात शूटिंग पर पहुंच जाते थे हॉलीवुड में एक कास्टिंग डायरेक्टर में फिल्मों की लंबी लिस्ट देखकर गिनीज बुक की टीम में जांच के लिए मुंबई बुलाया और फिल्म निरीक्षण के किरदार निभाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम में इनका दर्ज किया गया इन्हें अब जब फिल्म लोह और नई साफी की में पुलिस के कमिश्नर का रोल मिला तो उन्होंने कहा कि चलो मेरा प्रमोशन हो गया इसके बाद बताया जाता है कि आसिफ शेख आसिफ शेख भारतीय टेलीविज़न और टे फिल्म अभिनेता है उन्होंने सबसे पहले शुरुआत धारावाहिक हम लोग से की थी उन्होंने मुकद्दर का बादशाह जैसे सहायक भूमिकाओं में फिल्मों में शुरुआत थी उनकी भूमिका वाली फिल्म सन उन्नीस सौ इक्यानवे में, में यारा दिलदारा आई थी यह फिल्म संगीत निर्देशक जनित ललित की पहली फिल्म होने के साथ साथ बिन तेरे सनम के लिए जानी जाती है हालांकि उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में सफलता नहीं मिली और उन्होंने कई फिल्मों में सहायक भूमिका की अदा की इसके बाद बताया जाता है उपासना सिंह उपासना सिंह जो ए, जिनका हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में, में बहुत ही अच्छा योगदान रहा और उन्होंने बहुत सी फिल्मों में योगदान दिया और मुकदमा फिल्म में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किरदार निभाया था यह एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जिनका जन्म पंजाब के होशियारपुर क्षेत्र में हुआ था उपासना सिंह के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है क्योंकि ये बहुत ही हसमुख रही अभिनेत्री रही है उपासना सिंह मुख्य रूप से हास्य कला के लिए जानी जाती है उन्होंने अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत जुदाई फिल्म से की थी इन्होंने सोनी टीवी के और कपिल शर्मा के कॉमेडी नाइट्स विद कलप कपिल में भी अभिनय किया था इसमें इन्होंने एक बुआ की भूमिका निभाती और नाद नांदनिया में भी एक अहम रोल किया था यह एक बॉलीवुड अभिनेत्री है जो क्षेत्रीय कलमों पंजाबी राजस्थानी भोजपुरी और गुजराती में भी कार्य करती है इनका जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ था कार्यक्रम इनका जो इनका फिल्मों में कार्यकाल रहा है वो सन उन्नीस से वर्तमान तक है जीवन साथी नीरज भारद्वाज से जिनकी शादी दो हजार में व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि उपासना सिंह ने दो नौ में फिल्म अभिनेता नीरज भारद्वाज से शादी की थी नीरज भारद्वाज जो कई फिल्मों में कार्य कर चुके हैं और भारद्वाज ने दूरदर्शन के कुछ धारावाहिक में नकारात्मक किरदार निभाया इन दोनों के में ए दिल ए नादन धारावाहिक में एक साथ काम का, काम किया है। इसके बाद शादी की थी प्रमुख गुजराती फिल्मों में भी उपषन्न सिंह ने सन उन्नीस में रिलीज हुई गुजराती फिल्म जोड़े रो रेजो राज गुजराती फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नरेश कनोडिया व रामानंद सागर की रा, रामायण धारावाहिक में सीताजी का पुत पात्र निभाने वाली दीपिका चकलिया के साथ सेकंड से लीड रोल में काम किया है उपासना सिंह ने इस फिल्म में गुजराती फिल्मों में डेब्यू किया था फिल्म के टाइटल्स में उन्हें प्रियंका उपनाम के क्रेडिट दिया गया था और उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में वालों और परशुराम जैसी गुजराती फिल्मों में उपासना सिंह के सही काम से ही काम किया था हेलो दोस्तों मैं आपके लिए ले आया हूँ मुकदमा मूवी के फैक्शन रिव्यू मुकदमा सन उन्नीस सौ की हिंदी भाषा की फिल्म है जिसके निर्देशक के सी बोकाडिया और लेखक के सी बोकाडिया है अभिनेता महेश आनंद जेब बाब अख्तियार गुलसन ग्लोवर हरीश विनोद खन्ना गुड्डी मारुति आदित्य पंचोली जगदीश राज शिवा रिंदनानी आसिफ शेख उपासना सिंह टिंकू तलसानिया और तनुजा और वर्षा उफ गावकर फिल्म की रिलीज़ डेट सन उन्नीस सौ छियानवे में देश भारत है भाषा हिंदी है और मुख्य कलाकार जिसमें इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है विनोद खन्ना कप्तान अजीत सिंह के रूप में जगदीश राज जेलर के रूप में आसिफ शेख मोटिंग के रूप में टिंकू तलसनिया सत्य सिंह के रूप में और तनुजा आशा के रूप में और वर्षा उस गावाकर सीमा के रूप में नजर आई है विनोद खन्ना के बारे में बताया गया है कि विनोद खन्ना हिंदी फिल्मों में अभिनेता जिनका जिनका जन्म पेशावर ब्रितानी भारत में हुआ था जबकि ये लंबे समय से कैंसर से पीड़ित रहने की वजह से 27 अप्रैल 2017 को मुंबई के एक एच एन रिलायंस अस्पताल में इनका निधन हो गया था इनका जन्म 6 अक्टूबर सन उन्नीस को ब्रितानी भारत में हुआ था मृत्यु 27 अप्रैल 2017 को ही व्यवसायी अभिनेता और राजनीतिक थे जीवन साथी गीतांजलि सन 172 में इनकी शादी हुई और सन 1985 में इनका तलाक हुआ कविता से इनके सन 1990 में शादी हुई 2017 में निधन हो गया इनके बच्चे राहुल खन्ना पुत्र था अक्षय खन्ना पुत्र और साक्षी खन्ना पुत्र और श्रद्धा खन्ना पुत्री जीवन विनोद खन्ना का जन्म एक व्यापारिक परिवार में 6 अक्टूबर सन 1940 को पेशावर बर्टानी भारत में हुआ था उनका परिवार अगले साल अगले साल उन्नीस में भारत में पाकिस्तान विभाजन के बाद पेशावर से मुंबई आ गए और उनके माता पिता का ना नाम कमला और किशनचंद खन्ना था सन 1960 के बाद उनकी स्कूली शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई वहीं उन्होंने सिद्धोम कॉलेज में मरने में स्थानांतरण किया इनके तीन पुत्र और एक पुत्री थी जिसमें अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना जो दो फिल्मों के अभिनेता रहे हैं सत्ताईस अप्रैल 2017 को लंबे समय से कैंसर से पीड़ित होने के कारण मुंबई के एन एस रिलायंस अस्पताल में इनका निधन हो गया कैरियर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत सन सन उन्नीस में आई एक फिल्म मन का मीत से की थी जिसमें उन्होंने एक खलनायक का अभिनय किया था कई कि फिल्मों में उल्लेखनीय सहायक और खलनायक के किरदार निभाने के बाद सन उन्नीस कहत्तर में उनकी पहली एकल हीरो वाली फिल्म हम तुम और वो आई कुछ वर्ष में फिल्मी सन्यास उनके दौरान वे आचार्य रजनीश के अनुयायी बन गए इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म पारी भी सफलतापूर्वक रही राजनीतिक कैरियर के बारे में भी काफी उन्होंने वो दो बार पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र के भाजपा की ओर से सांसद चुने जा चुके थे जबकि 2002 में सांस्कृतिक और पर्यटक के केंद्रीय मंत्री भी रहे इसके बाद सिर्फ छः माह पश्चात ही उनकी अति महत्वपूर्ण विदेश मामलों में मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया गया सन उन्नीस सौ निन्यानवे में उनके तीस वर्ष से भी ज्यादा समय के योगदान के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया 2018 में उन्हें मरणोमांत भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फल फालके पुरस्कार से सम्मानित किया गया गुड्डी मारुति के बारे में बताया जाता है कि उनका जन्म चार अप्रैल सन उन्नीस उनसठ को भारत में हुआ था आदित्य पंचोली आदित्य पंचोली के बारे में बताया जाता है कि आदित्य पंचोली का जन्म चार जनवरी सन उन्नीस सौ पैंसठ को हुआ था और इनकी आयु फिफ्टी सेवन साल है ये इनका वेश्या अभिनेता और इनका जीवन साथी जरीना वहा वहा जिनसे इनकी शादी सन उन्नीस सौ छियासी में हुई व्यक्तिगत के जीवन के बारे में बताया जाता है कि आदित्य पंचोली हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता है और वह हिंदू कार्यस्थ परिवार के जन्म हुआ आदित्य पंचोली फिल्म निर्माता राजन पंचोली और अरुणा पंचोली के बेटे हैं उनकी बहन दो भाई हैं उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जुहू मुंबई के सेठ जोसेफ हाई स्कूल में प्राप्त की सन उन्नीस में पंचोली ने अभिनेत्री जरीना बाहब से वहाब से शादी की और उनके दो बच्चे हैं सूरज और सना पंचोली इसके बाद बताया जाता है कि जगदीश राज जगदीश राज जो इस फिल जो मुकदमा फिल्म में जिनका बहुत अच्छा किरदार रहा है जगदीश राज खुराना जो पूर्व बॉलीवुड अभिनेता थे इनका सामना किरदार अभिनेता के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम में लिखने के लिए किया गया है इनका जन्म सन उन्नीस में हुआ था मृत्यु अट्ठाईस जुलाई दो में हुई राष्ट्रीयता भारतीय थी अन्य नाम बॉलीवुड के पुलिस इंस्पेक्टर फिल्म पुलिस अफसर थे व्यवसाय अभिनेता था जीवन और कैरियर के बारे में बताया जाता है कि जगदीश राज का जन्म सन उन्नीस में ब्रिटिश भारत में सरगोधा में हुआ था उन, इन्होंने एक फिल्मों में पुलिस निरीक्षण का किरदार निभाया था इस, इनकी पुत्री अनिता राज खुराना भी एक बॉलीवुड अभिनेत्री थी जगदीश राज ने हम दोनों काला बाजार जोनी मेरा नाम गैम्बलर ड्रीम गर्ल थी और दीवार जैसी हिट फिल्मों में काम किया अस्सी से नब्बे दशक की फिल्मों में उन सक्रिय का काम होने लगी उन्होंने देव आनंद से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे आध्यात्मिक सफल अभिनेताओं के साथ काम किया कुछ फिल्मों में इन्होंने न्यायाधीश या चिकित्सा का किरदार भी निभाया और सी आई डी ओ क्लोक कानून वक्त रोटी इस्तेफाक सफर जोनी मेरा नाम आदि फिल्मों में पुलिस निरीक्षण का अभिनय कर मिलने के बाद इन्होंने पुलिस की वर्दी सिलवाली थी और फिल्म निर्माता का फ़ोन आते ही वर्दी में सात सलू शूटिंग पर पहुंच जाते थे हॉलीवुड में एक कास्टिंग डायरेक्टर में फिल्मों की लंबी लिस्ट देखकर गिनीज बुक की की टीम में जांच के लिए मुंबई बुलाया और फिल्म निरीक्षण के किरदार निभाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में के नाम में इनका दर्ज किया गया है। इन्हें अब जब फिल्म लोह और नई साफी की में पुलिस के कमिश्नर का रोल मिला तो उन्होंने कहा कि चलो मेरा प्रमोशन हो गया इसके बाद बताया जाता है कि आसिफ शेख आसिफ शेख भारतीय टेलीविजन और टे, फिल्म अभिनेता है उन्होंने सबसे पहले शुरुआत धारावाहिक हम लोग से की थी उन्होंने मु, मुकद्दर का जैसे भूमिकाओं में फिल्मों में शुरू भूमिका वाली फिल्म सन उन्नीस सौ इक्यानवे में ग्यारह दिलदारा आई थी यह फिल्म संगीत निर्देशक जनित ललित की पहली फिल्म होने के साथ साथ बिन तेरे सनम के लिए जानी जाती है हालांकि उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में सफलता नहीं मिली और उन्होंने कई फिल्मों में सहायक भूमिका की अदा की इसके बाद बताया जाता है उपासना सिंह उपासना सिंह जो ए, जिनका हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में, में बहुत ही अच्छा योगदान रहा और उन्होंने बहुत सी फिल्मों में योगदान दिया और मुकदमा फिल्म में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किरदार निभाया था यह एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जिनका जन्म पंजाब के होशियारपुर क्षेत्र में हुआ था उपासना सिंह के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है क्योंकि यह बहुत ही हसमुख रही अभिनेत्री रही है उपासना सिंह मुख्य रूप से हास्य कला के लिए जानी जाती है उन्होंने अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत जुदाई फिल्म से की थी इन्होंने सोनी टीवी के और कपिल शर्मा के कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी अभिनय किया था इसमें इन्होंने एक बुआ की भूमिका निभाती और नाद नांदनिया में भी एक अहम रोल किया था यह एक बॉलीवुड अभिनेत्री है जो क्षेत्रीय कलमों पंजाबी राजस्थानी भोजपुरी और गुजराती में भी कार्य करती है इनका जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ था कार्यालय कार्यक्रम इनका जो इनका फिल्मों में कार्यकाल रहा है वो सन उन्नीस से वर्तमान तक है जीवन साथी नीरज भारद्वाज जिसे जिनकी शादी दो हजार नौ में व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि उपासना सिंह ने दो फिल्म अभिनेता नीरज भारद्वाज से शादी की थी नीरज भारद्वाज जो कई फिल्मों में कार्य कर चुके हैं और भारद्वाज ने दूरदर्शन के कुछ धारावाहिक में नकारात्मक किरदार निभाया इन दोनों के में ए नादन धारावाहिक में एक साथ काम, का, काम किया है। इसके बाद शादी की थी प्रमुख गुजराती फिल्मों में भी उपसंद सिंह ने सन उन्नीस में रिलीज हुई गुजराती फिल्म जोड़े रो जो राज गुजराती फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नरेश कनोडिया व रामानंद सागर की रा, रामायण धारावाहिक में सीताजी पात्र निभाने वाली दीपिका चकलिया के साथ सेकंड से लीड रोल में काम किया है उपासना सिंह ने इस फिल्म में गुजराती फिल्मों में डेब्यू किया था फिल्म के टाइटल्स में उन्हें प्रियंका उपनाम के क्रेडिट दिया गया था और उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में रिक्शा वालों और परशुराम जैसी गुजराती फिल्मों में उपासना सिंह के सही काम से ही काम किया था हेलो दोस्तों मैं आपके लिए ले आया हूँ मुकदमा मूवी के फैक्शन रिव्यू मुकदमा सन उन्नीस सौ छियानवे की हिंदी भाषा की फिल्म है जिसके निर्देशक के सी बोकाडिया और लेखक के सी बोकाडिया है अभिनेता महेश आनंद जेब बाब गुलसन गुलशन ग्लोवर हरीश विनोद खन्ना गुड्डी मारुति आदित्य पंचोली जगदीश राज शिवा आसिफ शेख उपासना सिंह टिंकू तलसानिया और तनुजा और वर्षा उफ गावकर फिल्म की रिलीज़ डेट सन उन्नीस सौ छियानवे में देश भारत है भाषा हिंदी है और मुख्य कलाकार जिसमें इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है विनोद खन्ना कप्तान अजीत सिंह के रूप में जगदीश राज जेलर के रूप में आसिफ शेख मोटिंग के रूप में टिंकू तलसनिया सत्य सिंह के रूप में और तनुजा आशा के रूप में और वर्षा उस गावाकर सीमा के रूप में नजर आई है विनोद खन्ना के बारे में बताया गया है कि विनोद खन्ना हिंदी फिल्मों में अभिनेता जिनका जिनका, जिनका जन्म पेशावर ब्रितानी भारत में हुआ था जबकि ये लंबे समय से कैंसर से पीड़ित रहने की वजह से 27 अप्रैल 2017 को मुंबई के एक एच एन रिलायंस अस्पताल में इनका निधन हो गया था इनका जन्म 6 अक्टूबर सन उन्नीस को ब्रितानी भारत में हुआ था मृत्यु 27 अप्रैल 2017 हज़ार सत्रह को ही व्यवसायी अभिनेता और राजनीतिक थे जीवन साथी गीतांजलि सन उन्नीस में इनकी शादी हुई और सन उन्नीस में इनका तलाक हुआ कविता से इनके सन उन्नीस में शादी हुई 2017 में निधन हो गया इनके बच्चे राहुल खन्ना पुत्र था अक्षय खन्ना पुत्र और साक्षी खन्ना पुत्र और श्रद्धा खन्ना पुत्री जीवन विनोद खन्ना का जन्म एक व्यापारिक परिवार में 6 अक्टूबर सन उन्नीस सन उन्नीस को पेशावर ब्रितानी भारत में हुआ था उनका परिवार अगले साल अगले साल उन्नीस में भारत में पाकिस्तान विभाजन के बाद पेशावर से मुंबई आ गए और उनके माता पिता का ना नाम कमला और किशनचंद खन्ना था सन 1960 के बाद उनकी स्कूली शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई वहीं उन्होंने सिद्धोम कॉलेज में बढ़ने में स्थानांतरण किया इनके तीन पुत्र और एक पुत्री थी जिसमें अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना जो दो फिल्मों के अभिनेता रहे हैं सत्ताईस अप्रैल 2017 को लंबे समय से कैंसर से पीड़ित होने के कारण मुंबई के एन एस रिलायंस अस्पताल में इनका निधन हो गया कैरियर के, के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत सन सन उन्नीस में आई एक फिल्म मन का मीत से की थी जिसमें उन्होंने एक खननायक का अभिनय किया था कई कि फिल्मों में उल्लेखनीय सहायक और खननायक के किरदार निभाने के बाद सन उन्नीस सौ में उनकी पहली एकल हीरो वाली फिल्म हम तुम और वो आई कुछ वर्ष में फिल्मी संन्यास उनके दौरान वे आचार्य रजनीश के बन गए इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म पारी भी सफलतापूर्वक रही राजनीतिक कैरियर के बारे में भी काफी वो दो बार पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र के भाजपा की ओर से सांसद चुने जा चुके थे जबकि 2002 में सांस्कृतिक और पर्यटक के केंद्रीय मंत्री भी रहे इसके बाद सिर्फ छह माह पश्चात ही उनकी अति महत्वपूर्ण विदेश मामलों में मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया गया सन उन्नीस सौ निन्यानवे में उनको फिल्मों में उनके तीस वर्ष से भी ज़्यादा समय के योगदान के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया दो में उन्हें मरणोरांत भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फल फालके पुरस्कार से सम्मानित किया गया गुड्डी मारुति के बारे में बताया जाता है कि उनका जन्म 4 अप्रैल सन उन्नीस उनसठ को भारत में हुआ था आदित्य पंचोली आदित्य पंचोली के बारे में बताया जाता है कि आदित्य पंचोली का जन्म चार जनवरी सन उन्नीस सौ पैंसठ को हुआ था और इनकी आयु फिफ्टी सेवन साल है ये इनका वैश्य अभिनेता और इनका जीवन साथी जरीना वहा वहा जिनसे इनकी शादी सन उन्नीस सौ छियासी में हुई थी व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि आदित्य पंचोली हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता है और वह हिंदू कार्यस्थ परिवार के जन्म हुआ है आदित्य पंचोली फिल्म निर्माता राजन पंचोली और अरुणा पंचोली के बेटे हैं उनकी बहन दो भाई हैं उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जूहू मुंबई के सेंट जोसेफ़ हाई स्कूल में प्राप्त की सन उन्नीस में पंचोली ने अभिनेत्री जरीना बाहब से वहाब से शादी की और उनके दो बच्चे हैं सूरज और सना पंचोली इसके बाद बताया जाता है कि जगदीश राज जगदीश राज जो इस फिल्म जो मुकदमा फिल्म में जिनका बहुत अच्छा किरदार रहा है जगदीश राज खुराना जो पूर्व बॉलीवुड अभिनेता थे इनका सामना किरदार अभिनेता के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम में लिखने के लिए किया गया है इनका जन्म सन उन्नीस में हुआ था मृत्यु 28 जुलाई दो में हुई राष्ट्रीयता भारतीय थी अन्य नाम बॉलीवुड के पुलिस इंस्पेक्टर फिल्म पुलिस अफसर थे व्यवसाय अभिनेता था जीवन और कैरियर के बारे में बताया जाता है कि जगदीश राज का जन्म सन उन्नीस ब्रिटिश भारत में सर गोधा में हुआ था। एक इन्होंने चवालीस फिल्मों में पुलिस निरीक्षण का किरदार निभाया था इस, इनकी पुत्री अनिता राज खुराना भी एक बुलीवुड अभिनेत्री थी जगदीश राज ने हम दोनों काला बाजार जोनी मेरा नाम गैम्बलर ड्रीम गर्ल थी और दीवार जैसी हिट फिल्मों में काम किया अस्सी से नब्बे दशक की फिल्मों में उन सक्रिय का काम होने लगी उन्होंने देव आनंद से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे आध्यात्मिक सफल अभिनेताओं के साथ काम किया कुछ फिल्मों में इन्होंने न्यायाधीश या चिकित्सा का किरदार भी निभाया और सी आई डी ट्वेल्व ओ क्लोक कानून वक्त रोटी इस्तेफाक सफर जोनी मेरा नाम आदि फिल्मों में पुलिस निरीक्षण का अभिनय कर मिलने के बाद इन्होंने पुलिस की वर्दी सिलवाली थी और फिल्म निर्माता का फ़ोन आते ही वर्दी में सात शूटिंग पर पहुंच जाते थे हॉलीवुड में एक कास्टिंग डायरेक्टर में फिल्मों की लंबी लिस्ट देखकर गिनीज बुक की टीम में जांच के लिए मुंबई बुलाया और फिल्म निरीक्षण के किरदार निभाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम में इनका दर्ज किया गया इन्हें अब जब फिल्म लोह और नई साफी की में पुलिस के कमिश्नर का रोल मिला तो उन्होंने कहा कि चलो मेरा प्रमोशन हो गया इसके बाद बताया जाता है कि आसिफ शेख आसिफ शेख भारतीय टेलीविजन और टे, फिल्म अभिनेता है उन्होंने सबसे ल, पहले हम लोग से की थी उन्होंने मु, बादशाह जैसे भूमिकाओं में फिल्मों में भूमिका वाली फिल्म सन उन्नीस सौ इक्यानवे में, में यारा दिलदारा आई थी यह फिल्म संगीत निर्देशक जनित ललित की पहली फिल्म होने के साथ साथ बिन तेरे सनम के लिए जानी जाती है हालांकि उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में सफलता नहीं मिली और उन्होंने कई फिल्मों में सहायक भूमिका की अदा की इसके बाद बताया जाता है उपासना सिंह उपासना सिंह जो ए, जिनका हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत ही अच्छा योगदान रहा और उन्होंने बहुत सी फिल्मों में योगदान दिया और मुकदमा फिल्म में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किरदार निभाया था यह एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जिनका जन्म पंजाब के होशियारपुर क्षेत्र में हुआ था उपासना सिंह के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है क्योंकि ये बहुत ही हसमुख रही अभिनेत्री रही है, है। उपासना सिंह मुख्य रूप से हास्य कला के लिए जानी जाती है उन्होंने अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत जुदाई फिल्म से की थी इन्होंने सोनी टीवी के और कपिल शर्मा के कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी अभिनय किया था इसमें इन्होंने एक बुआ की भूमिका निभाती और ना नांदनिया में भी एक अहम रोल किया था यह एक बॉलीवुड अभिनेत्री है जो क्षेत्रीय कलमों पंजाबी राजस्थानी भोजपुरी और गुजराती में भी कार्य करती है इनका जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ था कार्यक्रम इनका जो इनका फिल्मों में कार्यकाल रहा है वो सन उन्नीस से वर्तमान तक है जीवन साथी नीरज भारद्वाज जिसे जिनकी शादी दो हजार में व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि उपासना सिंह ने दो नौ महफिल अभिनेता नीरज भारद्वाज से शादी की थी नीरज भारद्वाज जो कई फिल्मों में कार्य कर चुके हैं और भारद्वाज ने दूरदर्शन के कुछ धारावाहिक में नकारात्मक किरदार निभाया इन दोनों के में ए दिल ए नादन धारावाहिक में एक साथ काम का, काम किया है इसके बाद शादी की थी प्रमुख गुजराती फिल्मों में भी उपषन्न सिंह ने सन उन्नीस में रिलीज हुई गुजराती फिल्म जोड़े रो रेहजो राज गुजराती फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नरेश कनोडिया व रामानंद सागर की रा, रामायण धारावाहिक में सीताजी का पुत्र पात्र निभाने वाली दीपिका चकलिया के साथ सेकंड से लीड रोल भी काम किया है उपासना सिंह ने इस फिल्म में गुजराती फिल्मों में डेब्यू किया था फिल्म के टाइटल्स में उन्हें प्रियंका उपनाम के क्रेडिट दिया गया था और उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में वालों और परशुराम जैसी गुजराती फिल्मों में उपासना सिंह के सही काम से ही काम किया था हेलो दोस्तों मैं आपके लिए ले आया हूँ मुकदमा मूवी के फैक्शन रिव्यू मुकदमा सन उन्नीस सौ की हिंदी भाषा की फिल्म है जिसके निर्देशक के सी बोकाडिया और लेखक के सी बोकाडिया है अभिनेता महेश आनंद जेब बाब अख्तियार गुलशन ग्लोवर हरीश विनोद खन्ना गुड्डी मारुति आदित्य पंचोली जगदीश राज शिवा रिंदनानी आसिफ शेख उपासना सिंह टिंकू तलसानिया और तनुजा और वर्षा उफ गावकर फिल्म की रिलीज़ डेट सन उन्नीस सौ छियानवे में, में देश भारत है भाषा हिंदी है और मुख्य कलाकार जिसमें इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है विनोद खन्ना कप्तान अजीत सिंह के रूप में जगदीश राज जेलर के रूप में आसिफ शेख मोटिंग के रूप में टिंकू तलसनिया सत्य सिंह के रूप में और तनुजा आशा के रूप में और वर्षा उस गाँवकर सीमा के रूप में नजर आई है विनोद खन्ना के बारे में बताया गया है कि विनोद खन्ना हिंदी फिल्मों में अभिनेता जिनका जिनका जन्म पेशावर ब्रितानी भारत में हुआ था जबकि ये लंबे समय से कैंसर से पीड़ित रहने की वजह से सत्ताईस अप्रैल 2017 को मुंबई के एक एच एन रिलायंस अस्पताल में इनका निधन हो गया था इनका जन्म 6 अक्टूबर सन उन्नीस को ब्रितानी भारत में हुआ था मृत्यु सत्ताईस अप्रैल 2017 को ही व्यवसायी अभिनेता और राजनीतिक थे जीवन साथी गीतांजलि सन 172 में इनकी शादी हुई और सन 1985 में इनका तलाक हुआ कविता से इनके सन 1990 में शादी हुई 2017 में निधन हो गया इनके बच्चे राहुल खन्ना पुत्र था अक्षय खन्ना पुत्र और साक्षी खन्ना पुत्र और श्रद्धा खन्ना पुत्री जीवन विनोद खन्ना का जन्म एक व्यापारिक परिवार में 6 अक्टूबर सन 1940 को पेशावर बर्टानी भारत में हुआ था उनका परिवार अगले साल अगले साल उन्नीस में भारत में पाकिस्तान विभाजन के बाद पेशावर से मुंबई आ गए और उनके माता पिता का ना नाम कमला और किशनचंद खन्ना था सन उन्नीस के बाद उनकी स्कूली शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई वहीं उन्होंने सिद्धोम कॉलेज में बढ़ने में स्थानांतरित किया इनके तीन पुत्र और एक पुत्री थी जिसमें अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना जो दो फिल्मों के अभिनेता रहे हैं सत्ताईस अप्रैल 2017 को लंबे समय से कैंसर से पीड़ित होने के कारण मुंबई के एन एस रिलायंस अस्पताल में इनका निधन हो गया कैरियर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत सन सन उन्नीस में आई एक फिल्म मन का मीत से की थी जिसमें उन्होंने एक खननायक का अभिनय किया था कई कि फिल्मों में उल्लेखनीय सहायक और खलनायक के किरदार निभाने के बाद सन उन्नीस कहत्तर में उनकी पहली एकल हीरो वाली फिल्म हम तुम और वो आई कुछ वर्ष में फिल्मी सन्यास उनके दौरान वे आचार्य रजनीश के अनुयायी बन गए इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म पारी भी सफलतापूर्वक रही राजनीतिक कैरियर के बारे में भी काफ़ी उन्होंने वो दो बार पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र के भाजपा की ओर से सांसद चुने जा चुके थे जबकि 2002 में सांस्कृतिक और पर्यटक के केंद्रीय मंत्री भी रहे इसके बाद सिर्फ छः माह पश्चात ही उनकी अति महत्वपूर्ण विदेश मामलों में मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया गया सन उन्नीस सौ निन्यानवे में उनके तीस वर्ष से भी ज़्यादा समय के योगदान के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया 2018 में उन्हें मरणोमांत भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फल फालके पुरस्कार से सम्मानित किया गया गुड्डी मारुति के बारे में बताया जाता है कि उनका जन्म चार अप्रैल सन उन्नीस को भारत में हुआ था आदित्य पंचोली आदित्य पंचोली के बारे में बताया जाता है कि आदित्य पंचोली का जन्म चार जनवरी सन उन्नीस सौ पैंसठ को हुआ था और इनकी आयु फिफ्टी सेवन साल है ये इनका विश्व अभिनेता और इनका जीवन साथी जरीना वहा वहा जिनसे इनकी शादी सन उन्नीस सौ छियासी में होती है व्यक्तिगत के जीवन के बारे में बताया जाता है कि आदि, आदित्य पंचोली हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता है और वह हिंदू कार्यस्थ परिवार के जन्म हुआ आदित्य पंचोली फिल्म निर्माता राजन पंचोली और अरुणा पंचोली के बेटे हैं उनकी बहन दो भाई हैं उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जूहू मुंबई के सेठ जोसेफ हाई स्कूल में प्राप्त की सन उन्नीस में पंचोली ने अभिनेत्री जरीना बहाब से वहाब से शादी की और उनके दो बच्चे हैं सूरज और सना पंचोली इसके बाद बताया जाता है कि जगदीश राज जगदीश राज जो इस फिल्म जो मुकदमा फिल्म में जिनका बहुत अच्छा किरदार रहा है जगदीश राज खुराना जो पूर्व बॉलीवुड अभिनेता थे इनका सामना किरदार अभिनेता के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम में लिखने के लिए किया गया है इनका जन्म सन उन्नीस में हुआ था मृत्यु अट्ठाईस जुलाई दो में हुई राष्ट्रीयता भारतीय थी अन्य नाम बॉलीवुड के पुलिस इंस्पेक्टर फिल्म पुलिस अफसर थे व्यवसाय अभिनेता था जीवन और कैरियर के बारे में बताया जाता है कि जगदीश राज का जन्म सन उन्नीस में ब्रिटिश भारत में सरगोधा में हुआ था उन, इन्होंने एक फिल्मों में पुलिस निरीक्षण का किरदार निभाया था इस इनकी पुत्री अनिता राज खुराना भी एक बॉलीवुड अभिनेत्री थी जगदीश राज ने हम दोनों काला बाजार जोनी मेरा नाम गैम्बलर ड्रीम थी ड्र और दीवार जैसी हिट फिल्मों में काम किया अस्सी से नब्बे दशक की फिल्मों में उन सक्रिय का काम होने लगी उन्होंने देव आनंद से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे आध्यात्मिक सफल अभिनेताओं के साथ काम किया कुछ फिल्मों में इन्होंने न्यायाधीश या चिकित्सा का किरदार भी निभाया और सी आई डी ओ क्लोक कानून वक्त रोटी इस्तेफाक सफर जोनी मेरा नाम आदि फिल्मों में पुलिस निरीक्षण का अभिनय कर मिलने के बाद इन्होंने पुलिस की वर्दी सिलवा ली थी और फिल्म निर्माता का फोन आते ही वर्दी में सात शूटिंग पर पहुंच जाते थे हॉलीवुड में एक कास्टिंग डायरेक्टर में फिल्मों की लंबी लिस्ट देखकर गिनीज बुक की की टीम में जांच के लिए मुंबई बुलाया और फिल्म निरीक्षण के किरदार निभाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम में इनका दर्ज किया गया इन्हें अब जब फिल्म लोह और नई साफी की में पुलिस के कमिश्नर का रोल मिला तो उन्होंने कहा कि चलो मेरा प्रमोशन हो गया इसके बाद बताया जाता है कि आसिफ शेख आसिफ शेख भारतीय टेलीविजन और टे, फिल्म अभिनेता है उन्होंने सबसे पहले शुरुआत धारावाहिक हम लोग से की थी उन्होंने मु, मुकद्दर का बादशाह जैसे सहायक भूमिकाओं में फिल्मों में शुरू करी उनकी भूमिका वाली फिल्म सन उन्नीस सौ इक्यानवे में ग्यारह दिलदारा आई थी यह फिल्म संगीत निर्देशक जनित ललित की पहली फिल्म होने के साथ साथ बिन तेरे सनम के लिए जानी जाती है हालांकि उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में सफलता नहीं मिली और उन्होंने कई फिल्मों में सहायक भूमिका की अदा की इसके बाद बताया जाता है उपासना सिंह उपासना सिंह जो ए, जिनका हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत ही अच्छा योगदान रहा और उन्होंने बहुत सी फिल्मों में योगदान दिया और मुकदमा फिल्म में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किरदार निभाया था यह एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जिनका जन्म पंजाब के होशियारपुर क्षेत्र में हुआ था उपासना सिंह के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है क्योंकि यह बहुत ही हसमुख रही अभिनेत्री रही है उपासना सिंह मुख्य रूप से हास्य कला के लिए जानी जाती है उन्होंने अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत जुदाई फिल्म से की थी इन्होंने सोनी टीवी के और कपिल शर्मा के कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी अभिनय किया था इसमें इन्होंने एक बुआ की भूमिका निभाती और नाद नादनिया में भी एक अहम रोल किया था यह एक बॉलीवुड अभिनेत्री है जो क्षेत्रीय कलमों पंजाबी राजस्थानी भोजपुरी और गुजराती में भी कार्य करती है इनका जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ था कार्यक्रम इनका जो इनका फिल्मों में कार्यकाल रहा है वो सन उन्नीस से वर्तमान तक है जीवन साथी नीरज भारद्वाज जिसे जिनकी शादी दो हजार में व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि उपासना सिंह ने दो फिल्म अभिनेता नीरज भारद्वाज से शादी की थी नीरज भारद्वाज जो कई फिल्मों में कार्य कर चुके हैं और भारद्वाज ने दूरदर्शन के कुछ धारावाहिक में नकारात्मक किरदार निभाया इन दोनों के में ए दिल ए नादन धारावाहिक में एक साथ काम, का, काम किया है इसके बाद शादी की थी प्रमुख गुजराती फिल्मों में भी उपषन्न सिंह ने सन उन्नीस में रिलीज हुई गुजराती फिल्म जोड़ेजो राज गुजराती फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नरेश कनोडिया व सागर की रा, रामायण धारावाहिक में सीताजी का पुत्र पात्र निभाने वाली दीपिका चकलिया के साथ सेकंड से लीड रोल में काम किया है उपासना सिंह ने इस फिल्म में गुजराती फिल्मों में डेब्यू किया था फिल्म के टाइटल्स में उन्हें प्रियंका उपनाम के क्रेडिट दिया गया था और उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में रिक्शा वालों और परशुराम जैसी गुजराती फिल्मों में उपासना सिंह के सही काम से ही काम किया था हेलो दोस्तों मैं आपके लिए ले आया हूँ मुकदमा मूवी के फैक्शन रिव्यू मुकदमा सन उन्नीस सौ छियानवे की हिंदी भाषा की फिल्म है जिसके निर्देशक के सी बोकाडिया और लेखक के सी बोकाडिया है अभिनेता महेश आनंद जेब बाब अख्तियार गुलसन ग्लोवर हरीश विनोद खन्ना गुड्डी मारुति आदित्य पंचोली जगदीश राज शिवा सि, रिंदनानी आसिफ शेख उपासना सिंह टिंकू तलसानिया और तनुजा और वर्षा उफ गावकर फिल्म की रिलीज़ डेट सन उन्नीस सौ छियानवे में देश भारत है भाषा हिंदी है और मुख्य कलाकार जिसमें इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है विनोद खन्ना कप्तान अजीत सिंह के रूप में जगदीश राज जेलर के रूप में आसिफ शेख मोटिंग के रूप में टिंकू तलसनिया सत्य सिंह के रूप में और तनुजा आशा के रूप में और वर्षा उस गावाकर सीमा के रूप में नजर आई है विनोद खन्ना के बारे में बताया गया है कि विनोद खन्ना हिंदी फिल्मों में अभिनेता जिनका जिनका जन्म पेशावर ब्रितानी भारत में हुआ था जबकि ये लंबे समय से कैंसर से पीड़ित रहने की वजह से सत्ताईस अप्रैल 2017 को मुंबई के एक एच एन रिलायंस अस्पताल में इनका निधन हो गया था इनका जन्म 6 अक्टूबर सन उन्नीस को ब्रितानी भारत में हुआ था मृत्यु सत्ताइस अप्रैल 2017 को ही व्यवसायी अभिनेता और राजनीतिक थे जीवन साथी गीतांजलि सन सौ में इनकी शादी हुई और सन उन्नीस में इनका तलाक हुआ कविता से इनके सन उन्नीस में शादी हुई 2017 में निधन हो गया इनके बच्चे राहुल खन्ना पुत्र था, अक्षय खन्ना पुत्र और साक्षी खन्ना पुत्र और श्रद्धा खन्ना पुत्री जीवन विनोद खन्ना का जन्म एक व्यापारिक परिवार में 6 अक्टूबर सन सन उन्नी, उन्नीस को पेशावर ब्रितानी भारत में हुआ था उनका परिवार अगले साल अगले साल उन्नीस में भारत में पाकिस्तान विभाजन के बाद पेशावर से मुंबई आ गए और उनके माता पिता का ना नाम कमला और किशनचंद खन्ना था सन 1960 के बाद उनकी स्कूली शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई वहीं उन्होंने सिद्धोम कॉलेज में बढ़ने में स्थानांतरण किया इनके तीन पुत्र और एक पुत्री थी जिसमें अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना जो दो फिल्मों के अभिनेता रहे हैं सत्ताईस अप्रैल 2017 को लंबे समय से कैंसर से पीड़ित होने के कारण मुंबई के एन एस रिलायंस अस्पताल में इनका निधन हो गया कैरियर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत सन सन उन्नीस में आई एक फिल्म मन का मीत से की थी जिसमें उन्होंने एक खननायक का अभिनय किया था कई कि फिल्मों में उल्लेखनीय सहायक और खलनायक के किरदार निभाने के बाद सन उन्नीस कहत्तर में उनकी पहली एकल हीरो वाली फिल्म हम तुम और वो आई कुछ वर्ष में फिल्मी सन्यास उनके दौरान वे आचार्य रजनीश के अनुयायी बन गए इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म पारी भी सफलतापूर्वक रही राजनीतिक कैरियर के बारे में भी काफी उन्होंने वो दो बार पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र के भाजपा की ओर से सांसद चुने जा चुके थे जबकि 2002 में सांस्कृतिक और पर्यटक के केंद्रीय मंत्री भी रहे इसके बाद सिर्फ छह माह पश्चात ही उनकी अति महत्वपूर्ण विदेश मामलों में मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया गया सन उन्नीस सौ निन्यानवे में उनको फिल्मों में उनके तीस वर्ष से भी ज्यादा समय के योगदान के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया 2018 में उन्हें मरणोमांत भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फल फालके पुरस्कार से सम्मानित किया गया गुड्डी मारुति के बारे में बताया जाता है कि उनका जन्म चार अप्रैल सन उन्नीस उनसठ को भारत में हुआ था आदित्य पंचोली आदित्य पंचोली के बारे में बताया जाता है कि आदित्य पंचोली का जन्म चार जनवरी सन उन्नीस सौ पैंसठ को हुआ था और इनकी आयु फिफ्टी सेवन साल है ये इनका वैश्य अभिनेता और इनका जीवन साथी जरीना वहा वहा जिनसे इनकी शादी सन उन्नीस सौ छियासी में हुई थी व्यक्तिगत के जीवन के बारे में बताया जाता है कि आदि, आदित्य पंचोली हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता है और वह हिंदू कार्यस्थ परिवार के जन्म हुआ है आदित्य पंचोली फिल्म निर्माता राजन पंचोली और अरुणा पंचोली के बेटे हैं उनकी बहन दो भाई हैं उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जुहू मुंबई के सेट जोसेफ हाई स्कूल में प्राप्त की सन उन्नीस में पंचोली ने अभिनेत्री जरीना बाहब से वहाब से शादी की और उनके दो बच्चे हैं सूरज और सना पंचोली इसके बाद बताया जाता है कि जगदीश राज जगदीश राज जो इस फिल्म जो मुकदमा फिल्म में जिनका बहुत अच्छा किरदार रहा है जगदीश राज खुराना जो पूर्व बॉलीवुड अभिनेता थे इनका सामना किरदार अभिनेता के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम में लिखने के लिए किया गया है इनका जन्म सन उन्नीस में हुआ था मृत्यु अट्ठाइस जुलाई दो में हुई राष्ट्रीयता भारतीय थी अन्य नाम बॉलीवुड के पुलिस इंस्पेक्टर फिल्म पुलिस अफसर थे व्यवसाय अभिनेता था जीवन और कैरियर के बारे में बताया जाता है कि जगदीश राज का जन्म सन उन्नीस में ब्रिटिश भारत में सरगोधा में हुआ था उन, इन्होंने एक फिल्मों में पुलिस निरीक्षण का किरदार निभाया था इस, इनकी पुत्री अनिता राज खुराना भी एक बॉलीवुड अभिनेत्री थी जगदीश राज ने हम दोनों काला बाजार जोनी मेरा नाम गैम्बलर ड्रीम गर्ल थी और दीवार जैसी हिट फिल्मों में काम किया अस्सी से नब्बे दशक की फिल्मों में उन्हें सक्रिय का काम होने लगी उन्होंने देव आनंद से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे आध्यात्मिक सफल अभिनेताओं के साथ काम किया कुछ फिल्मों में इन्होंने न्यायाधीश या चिकित्सा का किरदार भी निभाया और सी आई डी ट्वेल्व ओ क्लोक कानून वक्त रोटी इस्तेफाक सफर जोनी मेरा नाम आदि फिल्मों में पुलिस निरीक्षण का अभिनय कर मिलने के बाद इन्होंने पुलिस की वर्दी सिलवाली थी और फिल्म निर्माता का फ़ोन आते ही वर्दी में सात सलू शूटिंग पर पहुंच जाते थे हॉलीवुड में एक कास्टिंग डायरेक्टर में फिल्मों की लंबी लिस्ट देखकर गिनीज बुक की टीम में जांच के लिए मुंबई बुलाया और फिल्म निरीक्षण के किरदार निभाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में के नाम में इनका दर्ज किया गया इन्हें अब जब फिल्म लोह और नई साफी की में पुलिस के कमिश्नर का रोल मिला तो उन्होंने कहा कि चलो मेरा प्रमोशन हो गया इसके बाद बताया जाता है कि आसिफ शेख आसिफ शेख भारतीय टेलीविजन और टे फिल्म अभिनेता है उन्होंने सबसे पहले शुरुआत धारावाहिक हम लोग से की थी उन्होंने मुकद्दर का बादशाह जैसे भूमिकाओं में फिल्मों में शुरुआत थी उनकी भूमिका वाली फिल्म सन उन्नीस सौ इक्यानवे में, में यारा दिलदारा आई थी यह फिल्म संगीत निर्देशक जनित ललित की पहली फिल्म होने के साथ साथ बिन तेरे सनम के लिए जानी जाती है हालांकि उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में सफलता नहीं मिली और उन्होंने कई फिल्मों में सहायक भूमिका की अदा की इसके बाद बताया जाता है उपासना सिंह उपासना सिंह जो ए, जिनका हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत ही अच्छा योगदान रहा और उन्होंने बहुत सी फिल्मों में योगदान दिया और मुकदमा फिल्म में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किरदार निभाया था यह एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जिनका जन्म पंजाब के होशियारपुर क्षेत्र में हुआ था उपासना सिंह के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है क्योंकि ये बहुत ही हसमुख रही अभिनेत्री रही है उपासना सिंह मुख्य रूप से हास्य कला के लिए जानी जाती है उन्होंने अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत जुदाई फिल्म से की थी इन्होंने सोनी टीवी के और कपिल शर्मा के कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी अभिनय किया था इसमें इन्होंने एक बुआ की भूमिका निभाई थी और ना नांदनिया में भी एक अहम रोल किया था यह एक बॉलीवुड अभिनेत्री है जो क्षेत्रीय कलमों पंजाबी राजस्थानी भोजपुरी और गुजराती में भी कार्य करती है इनका जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ था कार्यक्रम इनका जो इनका फिल्मों में कार्यकाल रहा है वो सन उन्नीस से वर्तमान तक है जीवन साथी नीरज भारद्वाज से जिनकी शादी दो हजार में व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि उपासना सिंह ने दो नौ महफिल अभिनेता नीरज भारद्वाज से शादी की थी नीरज भारद्वाज जो कई फिल्मों में कार्य कर चुके हैं और भारद्वाज ने दूरदर्शन के कुछ धारावाहिक में नकारात्मक किरदार निभाया इन दोनों के में ए दिल ए नादन धारावाहिक में एक साथ काम का, काम किया है। इसके बाद शादी की थी प्रमुख गुजराती फिल्मों में भी उपषन्न सिंह ने सन उन्नीस में रिलीज हुई गुजराती फिल्म जोड़े रो रेजो राज गुजराती फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नरेश कन्होडिया व रामानंद सागर की रा, रामायण धारावाहिक में सीताजी का पुत्र पात्र निभाने वाली दीपिका चकलिया के साथ सेकंड से लीड रोल भी काम किया है उपासना सिंह ने इस फिल्म में गुजराती फिल्मों में डेब्यू किया था फिल्म के टाइटल्स में उन्हें प्रियंका उपनाम के क्रेडिट दिया गया था और उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में वालों और परशुराम जैसी गुजराती फिल्मों में उपासना सिंह के सही काम से ही काम किया था हेलो दोस्तों मैं आपके लिए ले आया हूँ मुकदमा मूवी के फैक्शन रिव्यू मुकदमा सन उन्नीस सौ की हिंदी भाषा की फिल्म है जिसके निर्देशक के सी बोकाडिया और लेखक के सी बोकाडिया है अभिनेता महेश आनंद जेब बाब अख्तियार गुलसन ग्लोवर हरीश विनोद खन्ना गुड्डी मारुति आदित्य पंचोली जगदीश राज शिवा रिंदनानी आसिफ शेख उपासना सिंह टिंकू तलसानिया और तनुजा और वर्षा उफ गावकर फिल्म की रिलीज डेट सन उन्नीस सौ छियानवे में देश भारत है भाषा हिंदी है और मुख्य कलाकार जिसमें इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है विनोद खन्ना कप्तान अजीत सिंह के रूप में जगदीश राज जेलर के रूप में आसिफ शेख मोटिंग के रूप में टिंकू तलसनिया सत्य सिंह के रूप में और तनुजा आशा के रूप में और वर्षा उस गाँवकर सीमा के रूप में नजर आई है विनोद खन्ना के बारे में बताया गया है कि विनोद खन्ना हिंदी फिल्मों में अभिनेता जिनका जिनका जन्म पेशावर ब्रितानी भारत में हुआ था जबकि ये लंबे समय से कैंसर से पीड़ित रहने की वजह से 27 अप्रैल 2017 को मुंबई के एक एच एन रिलायंस अस्पताल में इनका निधन हो गया था इनका जन्म 6 अक्टूबर सन उन्नीस को ब्रितानी भारत में हुआ था मृत्यु 27 अप्रैल 2017 हज़ार सत्रह को ही व्यवसायी अभिनेता और राजनीतिक थे जीवन साथी गीतांजलि सन 172 में इनकी शादी हुई और सन 1985 में इनका तलाक हुआ कविता से इनके सन 1990 में शादी हुई 2017 में निधन हो गया इनके बच्चे राहुल खन्ना पुत्र था अक्षय खन्ना पुत्र और साक्षी खन्ना पुत्र और श्रद्धा खन्ना पुत्री जीवन विनोद खन्ना का जन्म एक व्यापारिक परिवार में 6 अक्टूबर सन 1946 को पेशावर बर्टानी भारत में हुआ था उनका परिवार अगले साल अगले साल उन्नीस में भारत में पाकिस्तान विभाजन के बाद पेशावर से मुंबई आ गए और उनके माता पिता का ना नाम कमला और किशनचंद खन्ना था सन 1960 के बाद उनकी स्कूली शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई वहीं उन्होंने सिद्धोम कॉलेज में बढ़ने में स्थानांतरित किया इनके तीन पुत्र और एक पुत्री थी जिसमें अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना जो दो फिल्मों के अभिनेता रहे हैं सत्ताईस अप्रैल 2017 को लंबे समय से कैंसर से पीड़ित होने के कारण मुंबई के एन एस रिलायंस अस्पताल में इनका निधन हो गया कैरियर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत सन सन उन्नीस में आई एक फिल्म मन का मीत से की थी जिसमें उन्होंने एक खलनायक का अभिनय किया था कई कि फिल्मों में उल्लेखनीय सहायक और खलनायक के किरदार निभाने के बाद सन उन्नीस सौ में उनकी पहली एकल हीरो वाली फिल्म हम तुम और वो आई कुछ वर्ष में फिल्मी सन्यास उनके दौरान वे आचार्य रजनीश के अनुयावी बन गए इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म पारी भी सफलतापूर्वक रही राजनीतिक कैरियर के बारे में भी काफ़ी उन्होंने वो दो बार पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र के भाजपा की ओर से सांसद चुने जा चुके थे जबकि 2002 में सांस्कृतिक और पर्यटक के केंद्रीय मंत्री भी रहे इसके बाद सिर्फ छः माह पश्चात ही उनकी अति महत्वपूर्ण विदेश मामलों में मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया गया सन उन्नीस सौ निन्यानवे में उनको फिल्मों में उनके तीस वर्ष से भी ज़्यादा समय के योगदान के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया 2018 में उन्हें मरणोरान्त भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फल फालके पुरस्कार से सम्मानित किया गया गुड्डी मारुति के बारे में बताया जाता है कि उनका जन्म चार अप्रैल सन उन्नीस को भारत में हुआ था आदित्य पंचोली आदित्य पंचोली के बारे में बताया जाता है कि आदित्य पंचोली का जन्म चार जनवरी सन उन्नीस सौ पैंसठ को हुआ था और इनकी आयु फिफ्टी सेवन साल है ये इनका वैश्य अभिनेता और इनका जीवन साथी जरीना वहा वहा जिनसे इनकी शादी सन उन्नीस सौ छियासी में हुई व्यक्तिगत के जीवन के बारे में बताया जाता है कि आदि, आदित्य पंचोली हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता है और वह हिंदू कार्यस्थ परिवार के जन्म हुआ आदित्य पंचोली फिल्म निर्माता राजन पंचोली और अरुणा पंचोली के बेटे हैं उनकी बहन दो भाई हैं उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जुहू मुंबई के सेठ जोसेफ हाई स्कूल में प्राप्त की सन उन्नीस में पंचोली ने अभिनेत्री जरीना बाहब से वहाब से शादी की और उनके दो बच्चे हैं सूरज और सना पंचोली इसके बाद बताया जाता है कि जगदीश राज जगदीश राज जो इस फिल्म जो मुकदमा फिल्म में जिनका बहुत अच्छा किरदार रहा है जगदीश राज खुराना जो पूर्व बॉलीवुड अभिनेता थे इनका सामना किरदार अभिनेता के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम में लिखने के लिए किया गया है इनका जन्म सन उन्नीस में हुआ था मृत्यु अट्ठाईस जुलाई दो में हुई राष्ट्रीयता भारतीय थी अन्य नाम बॉलीवुड के पुलिस इंस्पेक्टर फिल्म पुलिस अफसर थे व्यवसाय अभिनेता था जीवन और कैरियर के बारे में बताया जाता है कि जगदीश राज का जन्म सन उन्नीस में ब्रिटिश भारत में सरगोधा में हुआ था उन, इन्होंने एक फिल्मों में पुलिस निरीक्षण का किरदार निभाया था इस, इनकी पुत्री अनिता राज खुराना भी एक बॉलीवुड अभिनेत्री थी जगदीश राज ने हम दोनों काला बाजार जोनी मेरा नाम गैम्बलर ड्रीम गर्ल थी और दीवार जैसी हिट फिल्मों में काम किया अस्सी से नब्बे दशक की फिल्मों में उन सक्रिय का काम होने लगी उन्होंने देव आनंद से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे आध्यात्मिक सफल अभिनेताओं के साथ काम किया कुछ फिल्मों में इन्होंने न्यायाधीश या चिकित्सा का किरदार भी निभाया और सी आई डी ओ क्लोक कानून वक्त रोटी इस्तेफाक सफर जोनी मेरा नाम आदि फिल्मों में पुलिस निरीक्षण का अभिनय कर मिलने के बाद इन्होंने पुलिस की वर्दी सिलवा ली थी और फिल्म निर्माता का फोन आते ही वर्दी में सात शूटिंग पर पहुंच जाते थे हॉलीवुड में एक कास्टिंग डायरेक्टर में फिल्मों की लंबी लिस्ट देखकर गिनीज बुक की टीम में जांच के लिए मुंबई बुलाया और फिल्म निरीक्षण के किरदार निभाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में के नाम में इनका दर्ज किया गया इन्हें अब जब फिल्म लोह और नई साफी की पुलिस के कमिश्नर का रोल मिला तो उन्होंने कहा कि चलो मेरा प्रमोशन हो गया इसके बाद बताया जाता है कि आसिफ शेख आसिफ शेख भारतीय टेलीविज़न और टे, फिल्म अभिनेता है उन्होंने सबसे पहले शुरुआत धारावाहिक हम लोग से की थी उन्होंने मु, मुकद्दर का बादशाह जैसे सहायक भूमिकाओं में फिल्मों में शुरू की उनकी भूमिका वाली फिल्म सन उन्नीस सौ इक्यानवे में, में यारा दिलदारा आई थी यह फिल्म संगीत निर्देशक जनित ललित की कह, पहली फिल्म होने के साथ साथ बिन तेरे सनम के लिए जानी जाती है हालांकि उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में सफलता नहीं मिली और उन्होंने कई फिल्मों में सहायक भूमिका की अदा की इसके बाद बताया जाता है उपासना सिंह उपासना सिंह जो ए, जिनका हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में, में बहुत ही अच्छा योगदान रहा और उन्होंने बहुत सी फिल्मों में योगदान दिया और मुकदमा फिल्म में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किरदार निभाया था यह एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जिनका जन्म पंजाब के होशियारपुर क्षेत्र में हुआ था उपासना सिंह के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है क्योंकि यह बहुत ही हसमुख रही अभिनेत्री रही है, है। उपासना सिंह मुख्य रूप से हास्य कला के लिए जानी जाती है उन्होंने अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत जुदाई फिल्म से की थी इन्होंने सोनी टीवी के और कपिल शर्मा के कॉमेडी नाइट्स विद कलप कपिल में भी अभिनय किया था इसमें इन्होंने एक बुआ की भूमिका निभाती और ना नादनिया में भी एक अहम रोल किया था यह एक बॉलीवुड अभिनेत्री है जो क्षेत्रीय कलमों पंजाबी राजस्थानी भोजपुरी और गुजराती में भी कार्य करती है इनका जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ था कार्यक्रम इनका जो इनका फिल्मों में कार्यकाल रहा है वो सन उन्नीस से वर्तमान तक है जीवन साथी नीरज भारद्वाज से जिनकी साथी दो हजार में व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि उपासना सिंह ने दो नो फिल्म अभिनेता नीरज भारद्वाज से शादी की थी नीरज भारद्वाज जो कई फिल्मों में कार्य कर चुके हैं और भारद्वाज ने दूरदर्शन के कुछ धारावाहिक में नकारात्मक किरदार निभाया इन दोनों के में ए दिल ए नादन धारवा में एक साथ काम का, काम किया है इसके बाद शादी की थी प्रमुख गुजराती फिल्मों में भी उपषन्न सिंह ने सन उन्नीस में रिलीज हुई गुजराती फिल्म जोड़े रो रेहजो राज गुजराती फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नरेश कन्होडिया व रामानंद सागर की रा, रामायण धारावाहिक में सीताजी का पुत्र पात्र निभाने वाली दीपिका चकलिया के साथ सेकंड से लीड रोल में काम किया है उपासना सिंह ने इस फिल्म में गुजराती फिल्मों में डेब्यू किया था फिल्म के टाइटल्स में उन्हें प्रियंका उपनाम के क्रेडिट दिया गया था और उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में वालों और परशुराम जैसी गुजराती फिल्मों में उपासना सिंह के सही काम से ही काम किया था हेलो दोस्तों मैं आपके लिए ले आया हूँ मुकदमा मूवी के फैक्शन रिव्यू मुकदमा सन उन्नीस सौ की हिंदी भाषा की फिल्म है जिसके निर्देशक के सी बोकाडिया और लेखक के सी बोकाडिया है अभिनेता महेश आनंद जेब बाब अख्तियार गुलसन ग्लोवर हरीश विनोद खन्ना गुड्डी मारुति आदित्य पंचोली जगदीश राज शिवा सि, रिंदनानी आसिफ शेख उपासना सिंह टिंकू तलसानिया और तनुजा और वर्षा उफ गावकर फिल्म की रिलीज़ डेट सन उन्नीस सौ छियानवे में देश भारत है भाषा हिंदी है और मुख्य कलाकार जिसमें इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है विनोद खन्ना कप्तान अजीत सिंह के रूप में जगदीश राज जेलर के रूप में आसिफ शेख मोटिंग के रूप में टिंकू तलसनिया सत्य सिंह के रूप में और तनुजा आशा के रूप में और वर्षा उस गावाकर सीमा के रूप में नजर आई है विनोद खन्ना के बारे में बताया गया है कि विनोद खन्ना हिंदी फिल्मों में अभिनेता जिनका जिनका जन्म पेशावर ब्रितानी भारत में हुआ था जबकि ये लंबे समय से कैंसर से पीड़ित रहने की वजह से सत्ताईस अप्रैल 2017 को मुंबई के एक एच एन रिलायंस अस्पताल में इनका निधन हो गया था इनका जन्म 6 अक्टूबर सन उन्नीस को ब्रितानी भारत में हुआ था मृत्यु सत्ताईस अप्रैल 2017 को ही व्यवसायी अभिनेता और राजनीतिक थे जीवन साथी गीतांजलि सन सौ में इनकी शादी हुई और सन उन्नीस में इनका तलाक हुआ कविता से इनके सन उन्नीस में शादी हुई दो हजार सत्रह में निधन हो गया इनके बच्चे राहुल खन्ना पुत्र था अक्षय खन्ना पुत्र और साक्षी खन्ना पुत्र और श्रद्धा खन्ना पुत्री जीवन विनोद खन्ना का जन्म एक व्यापारिक परिवार में छह अक्टूबर सन सन उन्नी, उन्नीस को पेशावर ब्रितानी भारत में हुआ था उनका परिवार अगले साल अगले साल उन्नीस में भारत में पाकिस्तान विभाजन के बाद पेशावर से मुंबई आ गए और उनके माता पिता का ना नाम कमला और किशनचंद खन्ना था सन 1960 के बाद उनकी स्कूली शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई वहीं उन्होंने सिद्धोम कॉलेज में बढ़ने में स्थानांतरण किया इनके तीन पुत्र और एक पुत्री थी जिसमें अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना जो दो फिल्मों के अभिनेता रहे हैं सत्ताईस अप्रैल 2017 को लंबे समय से कैंसर से पीड़ित होने के कारण मुंबई के एन एस रिलायंस अस्पताल में इनका निधन हो गया कैरियर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत सन सन उन्नीस में आई एक फिल्म मन का मीत से की थी जिसमें उन्होंने एक खननायक का अभिनय किया था कई कि फिल्मों में उल्लेखनीय सहायक और खलनायक के किरदार निभाने के बाद सन उन्नीस कहत्तर में उनकी पहली एकल हीरो वाली फिल्म हम तुम और वो आई कुछ वर्ष में फिल्मी सन्यास उनके दौरान वे आचार्य रजनीश के अनुयायी बन गए इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म पारी भी सफलतापूर्वक रही राजनीतिक कैरियर के बारे में भी काफी उन्होंने वो दो बार पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र के भाजपा की ओर से सांसद चुने जा चुके थे जबकि 2002 में सांस्कृतिक और पर्यटक के केंद्रीय मंत्री भी रहे इसके बाद सिर्फ छः माह पश्चात ही उनकी अति महत्वपूर्ण विदेश मामलों में मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया गया सन उन्नीस सौ में, में उनको फिल्मों में उनके तीस वर्ष से भी ज़्यादा समय के योगदान के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया 2018 में उन्हें मरणोमांत भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फल फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया गुड्डी मारुति के बारे में बताया जाता है कि उनका जन्म चार अप्रैल सन उन्नीस उनसठ को भारत में हुआ था आदित्य पंचोली आदित्य पंचोली के बारे में बताया जाता है कि आदित्य पंचोली का जन्म चार जनवरी सन उन्नीस सौ पैंसठ को हुआ था और इनकी आयु फिफ्टी सेवन साल है ये इनका वैश्विक अभिनेता और इनका जीवन साथी जरीना वहा वहा जिनसे इनकी शादी सन उन्नीस सौ छियासी में हुई थी व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि आदि, आदित्य पंचोली हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता है और वह हिंदू कार्यस्थ परिवार के जन्म हुआ है। आदित्य पंचोली फिल्म निर्माता राजन पंचोली और अरुणा पंचोली के बेटे हैं उनकी बहन दो भाई हैं उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जूहू मुंबई के सेठ जोसेफ हाई स्कूल में प्राप्त की सन उन्नीस में पंचोली ने अभिनेत्री जरीना बाहब से वहाब से शादी की और उनके दो बच्चे हैं सूरज और सना पंचोली इसके बाद बताया जाता है कि जगदीश राज जगदीश राज जो इस फिल्म जो मुकदमा फिल्म में जिनका बहुत अच्छा किरदार रहा है जगदीश राज खुराना जो पूर्व बॉलीवुड अभिनेता थे इनका सामना किरदार अभिनेता के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम में लिखने के लिए किया गया है इनका जन्म सन उन्नीस में हुआ था मृत्यु 28 जुलाई 2013 में हुई राष्ट्रीयता भारतीय थी अन्य नाम बॉलीवुड के पुलिस इंस्पेक्टर फिल्म पुलिस अफसर थे व्यवसाय अभिनेता था जीवन और कैरियर के बारे में बताया जाता है कि जगदीश राज का जन्म सन उन्नीस में ब्रिटिश भारत में सरगोधा में हुआ था उन, इन्होंने एक फिल्मों में पुलिस निरीक्षण का किरदार निभाया था इस, इनकी पुत्री अनिता राज खुराना भी एक बॉलीवुड अभिनेत्री थी जगदीश राज ने हम दोनों काला बाजार जोनी मेरा नाम गैम्बलर ड्रीम गर्ल थी और दीवार जैसी हिट फिल्मों में काम किया अस्सी से नब्बे दशक की फिल्मों में उन्हें सक्रिय का काम होने लगी उन्होंने देव आनंद से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे आध्यात्मिक सफल अभिनेताओं के साथ काम किया कुछ फिल्मों में इन्होंने न्यायाधीश या चिकित्सा का किरदार भी निभाया और सी आई डी ट्वेल्व ओ क्लोक कानून वक्त रोटी इस्तेवाक सफर जोनी मेरा नाम आदि फिल्मों में पुलिस निरीक्षण का अभिनय कर मिलने के बाद इन्होंने पुलिस की वर्दी सिलवाई थी और फिल्म निर्माता का फ़ोन आते ही वर्दी में सात शूटिंग पर पहुंच जाते थे हॉलीवुड में एक कास्टिंग डायरेक्टर में फिल्मों की लंबी लिस्ट देखकर गिनीज बुक की टीम में जांच के लिए मुंबई बुलाया और फिल्म निरीक्षण के किरदार निभाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में के नाम में इनका दर्ज किया गया है। इन्हें अब जब फिल्म लोह और नई साफी की में पुलिस के कमिश्नर का रोल मिला तो उन्होंने कहा कि चलो मेरा प्रमोशन हो गया इसके बाद बताया जाता है कि आसिफ शेख आसिफ शेख भारतीय टेलीविजन और टे, फिल्म अभिनेता है उन्होंने सबसे ल, पहले शुरुआत धारावाहिक हम लोग से की थी उन्होंने मु, मुकद्दर का बादशाह जैसे सहायक भूमिकाओं में फिल्मों में शुरूआत की उनकी भूमिका वाली फिल्म सन उन्नीस सौ इक्यानवे में, में यारा दिलदारा आई थी यह फिल्म संगीत निर्देशक जनित ललित की पहली फिल्म होने के साथ साथ बिन तेरे सनम के लिए जानी जाती है हालांकि उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में सफलता नहीं मिली और उन्होंने कई फिल्मों में सहायक भूमिका की अदा की इसके बाद बताया जाता है उपासना सिंह उपासना सिंह जो ए, जिनका हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत ही अच्छा योगदान रहा और उन्होंने बहुत सी फिल्मों में योगदान दिया और मुकदमा फिल्म में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किरदार निभाया था यह एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जिनका जन्म पंजाब के होशियारपुर क्षेत्र में हुआ था उपासना सिंह के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है क्योंकि ये बहुत ही हसमुख रही अभिनेत्री रही है, है। उपासना सिंह मुख्य रूप से हास्य कला के लिए जानी जाती है उन्होंने अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत जुदाई फिल्म से की थी इन्होंने सोनी टीवी के और कपिल शर्मा के कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी अभिनय किया था इसमें इन्होंने एक बुआ की भूमिका निभाई थी और नाद नांदनिया में भी एक अहम रोल किया था यह एक बॉलीवुड अभिनेत्री है जो क्षेत्रीय कलमों पंजाबी राजस्थानी भोजपुरी और गुजराती में भी कार्य करती है इनका जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ था कार्यक्रम इनका जो इनका फिल्मों में कार्यकाल रहा है वो सन उन्नीस से वर्तमान तक है जीवन साथी नीरज भारद्वाज जिसे जिनके शादी दो हजार में व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि उपासना सिंह ने दो नौ फिल्म अभिनेता नीरज भारद्वाज से शादी की थी नीरज भारद्वाज जो कई फिल्मों में कार्य कर चुके हैं और भारद्वाज ने दूरदर्शन के कुछ धारावाहिक में नकारात्मक किरदार निभाया इन दोनों के में ए दिल ए नादन धारवा में एक साथ काम का, काम किया है इसके बाद शादी की थी प्रमुख गुजराती फिल्मों में भी उपसंद सिंह ने सन उन्नीस में रिलीज हुई गुजराती फिल्म जोड़े रो रेहजो राज गुजराती फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नरेश व रामानंद सागर की रा, रामायण धारावाहिक में सीता जी का पुत पात्र निभाने वाली दीपिका चकलिया के साथ सेकंड से लीड रोल में काम किया है उपासना सिंह ने इस फिल्म में गुजराती फिल्मों में डेब्यू किया था फिल्म के टाइटल्स में उन्हें प्रियंका उपनाम के क्रेडिट दिया गया था और उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में वालों और परशुराम जैसी गुजराती फिल्मों में उपासना सिंह के सही काम से ही काम किया था हेलो दोस्तों मैं आपके लिए ले आया हूँ मुकदमा मूवी के फैक्शन रिव्यू मुकदमा सन उन्नीस सौ की हिंदी भाषा की फिल्म है जिसके निर्देशक के सी बोकाडिया और लेखक के सी बोकाडिया है अभिनेता महेश आनंद जेब बाब गुलसन गुलशन हरीश विनोद खन्ना गुड्डी मारुति आदित्य पंचोली जगदीश राज शिवा आसिफ शेख उपासना सिंह टिंकू तलसानिया और तनुजा और वर्षा उफ गावकर फिल्म की रिलीज डेट सन उन्नीस सौ छियानवे में देश भारत है भाषा हिंदी है और मुख्य कलाकार जिसमें इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है विनोद खन्ना कप्तान अजीत सिंह के रूप में जगदीश राज जेलर के रूप में आसिफ शेख मोटिंग के रूप में टिंकू तलसनिया सत्य सिंह के रूप में और तनुजा आशा के रूप में और वर्षा उस गावाकर सीमा के रूप में नजर आई है विनोद खन्ना के बारे में बताया गया है कि विनोद खन्ना हिंदी फिल्मों में अभिनेता जिनका जिनका जन्म पेशावर ब्रितानी भारत में हुआ था जबकि ये लंबे समय से कैंसर से पीड़ित रहने की वजह से 27 अप्रैल 2017 को मुंबई के एक एच एन रिलायंस अस्पताल में इनका निधन हो गया था इनका जन्म 6 अक्टूबर सन उन्नीस को ब्रितानी भारत में हुआ था मृत्यु 27 अप्रैल 2017 हज़ार सत्रह को ही व्यवसायी अभिनेता और राजनीतिक थे जीवन साथी गीतांजलि सन 172 में इनकी शादी हुई और सन 1985 में इनका तलाक हुआ कविता से इनके सन 1990 में शादी हुई 2017 में निधन हो गया इनके बच्चे राहुल खन्ना पुत्र था अक्षय खन्ना पुत्र और साक्षी खन्ना पुत्र और श्रद्धा खन्ना पुत्री जीवन विनोद खन्ना का जन्म एक व्यापारिक परिवार में 6 अक्टूबर सन 1946 को पेशावर बर्टानी भारत में हुआ था उनका परिवार अगले साल अगले साल उन्नीस में भारत में पाकिस्तान विभाजन के बाद पेशावर से मुंबई आ गए और उनके माता पिता का ना नाम कमला और किशनचंद खन्ना था सन उन्नीस के बाद उनकी स्कूली शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई वहीं उन्होंने सिद्धोम कॉलेज में बढ़ने में स्थानांतरण किया इनके तीन पुत्र और एक पुत्री थी जिसमें अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना जो दो फिल्मों के अभिनेता रहे हैं सत्ताईस अप्रैल 2017 को लंबे समय से कैंसर से पीड़ित होने के कारण मुंबई के एन एस रिलायंस अस्पताल में इनका निधन हो गया कैरियर के, के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत सन सन उन्नीस में आई एक फिल्म मन का मीत से की थी जिसमें उन्होंने एक खलनायक का अभिनय किया था कई कि फिल्मों में उल्लेखनीय सहायक और खननायक के किरदार निभाने के बाद सन उन्नीस सौ में उनकी पहली एकल हीरो वाली फिल्म हम तुम और वो आई कुछ वर्ष में फिल्मी सन्यास उनके दौरान वे आचार्य रजनीश के अनुयावी बन गए इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म पारी भी सफलतापूर्वक रही राजनीतिक कैरियर के बारे में भी काफी उन्होंने वो दो बार पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र के भाजपा की ओर से सांसद चुने जा चुके थे जबकि 2002 में सांस्कृतिक और पर्यटक के केंद्रीय मंत्री भी रहे इसके बाद सिर्फ छह माह पश्चात ही उनकी अति महत्वपूर्ण विदेश मामलों में मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया गया सन उन्नीस सौ निन्यानवे में उनको फिल्मों में उनके तीस वर्ष से भी ज़्यादा समय के योगदान के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया दो में उन्हें मरणोरान्त भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फल फालके पुरस्कार से सम्मानित किया गया गुड्डी मारुति के बारे में बताया जाता है कि उनका जन्म 4 अप्रैल सन उन्नीस उनसठ को भारत में हुआ था आदित्य पंचोली आदित्य पंचोली के बारे में बताया जाता है कि आदित्य पंचोली का जन्म चार जनवरी सन उन्नीस सौ पैंसठ को हुआ था और इनकी आयु फिफ्टी सेवन साल है ये इनका वैश्य अभिनेता और इनका जीवन साथी जरीना वहा वहा जिनसे इनकी शादी सन उन्नीस सौ छियासी में होती व्यक्तिगत के जीवन के बारे में बताया जाता है कि आदि, आदित्य पंचोली हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता है और वह हिंदू कार्यस्थ परिवार के जन्म हुआ है। आदित्य पंचोली फिल्म निर्माता राजन पंचोली और अरुणा पंचोली के बेटे हैं उनकी बहन दो भाई हैं उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जूहू मुंबई के सेठ जोसेफ हाई स्कूल में प्राप्त की सन उन्नीस में पंचोली ने अभिनेत्री जरीना बाहब से वहाब से शादी की और उनके दो बच्चे हैं सूरज और सना पंचोली इसके बाद बताया जाता है कि जगदीश राज जगदीश राज जो इस फिल्म जो मुकदमा फिल्म में जिनका बहुत अच्छा किरदार रहा है जगदीश राज खुराना जो पूर्व बॉलीवुड अभिनेता थे इनका सामना किरदार अभिनेता के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम में लिखने के लिए किया गया है इनका जन्म सन उन्नीस में हुआ था मृत्यु अट्ठाईस जुलाई दो में हुई राष्ट्रीयता भारतीय थी अन्य नाम बॉलीवुड के पुलिस इंस्पेक्टर फिल्म पुलिस अफसर थे व्यवसाय अभिनेता था जीवन और कैरियर के बारे में बताया जाता है कि जगदीश राज का जन्म सन उन्नीस में ब्रिटिश भारत में सरगोधा में हुआ था उन, इन्होंने एक फिल्मों में पुलिस निरीक्षण का किरदार निभाया था इस, इनकी पुत्री अनिता राज खुराना भी एक बॉलीवुड अभिनेत्री थी जगदीश राज ने हम दोनों काला बाजार जोनी मेरा नाम गैम्बलर ड्रीम गर्ल थी और दीवार जैसी हिट फिल्मों में काम किया अस्सी से नब्बे दशक की फिल्मों में उन सक्रिय का काम होने लगी उन्होंने देव आनंद से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे आध्यात्मिक सफल अभिनेताओं के साथ काम किया कुछ फिल्मों में इन्होंने न्यायाधीश या चिकित्सा का किरदार भी निभाया और सी आई डी ओ क्लोक कानून वक्त रोटी इस्तेफाक सफर जोनी मेरा नाम आदि फिल्मों में पुलिस निरीक्षण का अभिनय कर मिलने के बाद इन्होंने पुलिस की वर्दी सिलवा ली थी और फिल्म निर्माता का फोन आते ही वर्दी में सात सलू शूटिंग पर पहुंच जाते थे हॉलीवुड में एक कास्टिंग डायरेक्टर में फिल्मों की लंबी लिस्ट देखकर गिनीज बुक की टीम में जांच के लिए मुंबई बुलाया और फिल्म निरीक्षण के किरदार निभाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम में इनका दर्ज किया गया इन्हें अब जब फिल्म लोह और नई साफी की में पुलिस के कमिश्नर का रोल मिला तो उन्होंने कहा कि चलो मेरा प्रमोशन हो गया इसके बाद बताया जाता है कि आसिफ शेख आसिफ शेख भारतीय टेलीविजन और टे, फिल्म अभिनेता है उन्होंने सबसे ल, पहले हम लोग से की थी उन्होंने मु, का जैसे सायक में, फिल्मों में शुरूआत थी उनकी भूमिका वाली फिल्म सन उन्नीस सौ इक्यानवे में, में यारा दिलदारा आई थी यह फिल्म संगीत निर्देशक जनित ललित की पहली फिल्म होने के साथ साथ बिन तेरे सनम के लिए जानी जाती है हालांकि उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में सफलता नहीं मिली और उन्होंने कई फिल्मों में सहायक भूमिका की अदा की इसके बाद बताया जाता है उपासना सिंह उपासना सिंह जो ए, जिनका हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत ही अच्छा योगदान रहा और उन्होंने बहुत सी फिल्मों में योगदान दिया और मुकदमा फिल्म में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किरदार निभाया था यह एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जिनका जन्म पंजाब के होशियारपुर क्षेत्र में हुआ था उपासना सिंह के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है क्योंकि ये बहुत ही हसमुख रही अभिनेत्री रही है, है। उपासना सिंह मुख्य रूप से हास्य कला के लिए जानी जाती है उन्होंने अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत जुदाई फिल्म से की थी इन्होंने सोनी टीवी के और कपिल शर्मा के कॉमेडी नाइट्स विद कलप कपिल में भी अभिनय किया था इसमें इन्होंने एक बुआ की भूमिका निभाई थी और ना नादनिया में भी एक अहम रोल किया था यह एक बॉलीवुड अभिनेत्री है जो क्षेत्रीय कलमों पंजाबी राजस्थानी भोजपुरी और गुजराती में भी कार्य करती है इनका जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ था कार्यक्रम इनका जो इनका फिल्मों में कार्यकाल रहा है वो सन उन्नीस से वर्तमान तक है जीवन साथी नीरज भारद्वाज जिससे जिनकी साथी दो हजार नौ में व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जाता है कि उपासना सिंह ने दो नौ में फिल्म अभिनेता नीरज भारद्वाज से शादी की थी नीरज भारद्वाज जो कई फिल्मों में कार्य कर चुके हैं और भारद्वाज ने दूरदर्शन के कुछ धारावाहिक में नकारात्मक किरदार निभाया इन दोनों के में ए दिल ए नादन धारावाहिक में एक साथ काम का, काम किया है इसके बाद शादी की थी प्रमुख गुजराती फिल्मों में भी उपषन्न सिंह ने सन उन्नीस में रिलीज हुई गुजराती फिल्म जोड़े रो रेहजो राज गुजराती फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नरेश कन्होडिया व रामानंद सागर की रा, रामायण धारावाहिक में सीताजी का पुत्र पात्र निभाने वाली दीपिका चकलिया के साथ सेकंड से लीड रोल भी काम किया है उपासना सिंह ने इस फिल्म में गुजराती फिल्मों में डेब्यू किया था फिल्म के टाइटल्स में उन्हें प्रियंका उपनाम के क्रेडिट दिया गया था और उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में वालों और परशुराम जैसी गुजराती फिल्मों में उपासना सिंह के सही काम से ही काम किया था हेलो दोस्तों मैं आपके लिए ले आया हूँ मुकदमा मूवी के फैक्शन रिव्यू मुकदमा सन उन्नीस सौ की हिंदी भाषा की फिल्म है जिसके निर्देशक के सी बोकाडिया और लेखक के सी बोकाडिया है अभिनेता महेश आनंद जेब बाब अख्तियार गुलशन ग्लोवर हरीश विनोद खन्ना गुड्डी मारुति आदित्य पंचोली जगदीश राज शिवा सि, रिंदनानी आसिफ शेख उपासना सिंह टिंकू तलसानिया और तनुजा और वर्षा उफ गावकर फिल्म की रिलीज़ डेट सन उन्नीस सौ छियानवे में देश भारत है भाषा हिंदी है और मुख्य कलाकार जिसमें इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है विनोद खन्ना कप्तान अजीत सिंह के रूप में जगदीश राज जेलर के रूप में आसिफ शेख मोटिंग के रूप में टिंकू तलसनिया सत्य सिंह के रूप में और तनुजा आशा के रूप में और वर्षा उस गावाकर सीमा के रूप में नजर आई है विनोद खन्ना के बारे में बताया गया है कि विनोद खन्ना हिंदी फिल्मों में अभिनेता जिनका जिनका जन्म पेशावर ब्रितानी भारत में हुआ था जबकि ये लंबे समय से कैंसर से पीड़ित रहने की वजह से 27 अप्रैल 2017 को मुंबई के एक एच एन रिलायंस अस्पताल में इनका निधन हो गया था इनका जन्म 6 अक्टूबर सन उन्नीस को ब्रितानी भारत में हुआ था मृत्यु 27 अप्रैल 2017 को ही व्यवसायी अभिनेता और राजनीतिक थे जीवन साथी गीतांजलि सन 172 में इनकी शादी हुई और सन 1985 में इनका तलाक हुआ कविता से इनके सन 1990 में शादी हुई 2017 में निधन हो गया इनके बच्चे राहुल खन्ना पुत्र था अक्षय खन्ना पुत्र और साक्षी खन्ना पुत्र और श्रद्धा खन्ना पुत्री जीवन विनोद खन्ना का जन्म एक व्यापारिक परिवार में 6 अक्टूबर सन 1946 को पेशावर बर्टानी भारत में हुआ था उनका परिवार अगले साल